स्टार्ट द सेशन आई गेस। तो इस सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट डेडलॉक्स। लेट अस लुक एट व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग हियर। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द सिस्टम मॉडल, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक और कैन से डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द डेडलॉक्स, डेडलॉक्स को कैसे हैंडल करना है। Then we will look at the deadlock prevention algorithms, deadlock avoidance algorithm, deadlock detection algorithms, and how can you recover from the deadlocks. So before even studying what are deadlocks, तो आपको पता होना चाहिए deadlocks का मतलब क्या है। What do you mean by a deadlock? ठीक है, देखो, there is a very simple scenario when you use your operating system. Then your operating system acts as resource allocator. आपका जो operating system है वो resource allocator की तरह act करता है, right? So if you need any kind of a resource, then you will be requesting the resource from the operating system, okay? So let us suppose this is the process PI. If this process needs a resource, it will request the operating system that please allocate me this resource. वो resource कुछ भी हो सकता है, it can be a CPU, it can be data variable, it can be an input output device, anything. So any process is going to request the operating system, please allocate me the resource. If the resource is available, yes the resource is available, then this resource is allocated to the process. So after allocation, the process will do its work, and then as soon as the process will finish, this resource is again given back to the operating system. But sometimes the resource is not available. Jo resource hai wo available nahi rehta. So the operating system will go to a loop. I mean, they will go for a loop here, requesting for the resource, and at some point of time, if the resource is available, then the resources allocate. Something like this happens, okay? Now in this entire scenario, if this waiting time, I mean this loop becomes a very long time, right? If this loop becomes a very long time, that creates something called as starvation. So starvation is basically waiting for the resource for a long time, or you can say a long waiting is called as starvation. But when you look at deadlock, तो deadlock का मतलब क्या है? डेडलॉक सिंपली मीन्स इट इज इनफाइनाइट वेटिंग, यानी कि आप इनफाइनाइटली किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिसोर्स एट ऑल, आपको रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड एज डेडलॉक। ओके, द सेम थिंग विल बी डिस्कसिंग हियर इन दिस चैप्टर कि डेडलॉक होता क्या है एंड हाउ कैन यू नो हैंडल डेडलॉक्स। सो बिफोर स्टडिंग वी हैव टू लुक एट सम द सिस्टम मॉडल्स, कुछ सिस्टम मॉडल्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वेन एवर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट समथिंग विद अ सर्कल, सर्कल मीन्स आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। जब मैं किसी चीज़ को सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेन एवर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट समथिंग विद अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग अ रिसोर्स। तो यहाँ पर मैं इस रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिस्टम माइट बी हैविंग मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। इट फॉर एग्जांपल द रिसोर्स कैन बी अ सीपीयू साइकिल, यानी कि सीपीयू टाइम चाहिए। द रिसोर्स कैन बी अ मेमोरी स्पेस, द रिसोर्स कैन बी इनपुट आउटपुट डिवाइस, एनी काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हियर इन योर सिस्टम, यू हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिसोर्स एज वेल एज मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स। तो एज आई सेड, हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला काइंड ऑफ रिसोर्स, कि किस तरह का रिसोर्स है, काइंड ऑफ रिसोर्स, एंड सेकेंड द इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स, इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स। देखो डिफरेंस क्या है, जब मैं इंस्टेंसेस की बात करता हूँ, यानी कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू प्रिंटर्स, अगर आपके पास दो प्रिंटर्स हैं, दैट मीन्स यू हैव टू इंस्टेंसेस ऑफ प्रिंटर्स, एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिसोर्स। जैसे स्कैनर एक रिसोर्स है, योर प्रिंटर इज़ अ रिसोर्स, योर सीपीयू इज़ अ रिसोर्स। तो किस तरह का रिसोर्स है
वो यहाँ पर बताया गया. सो वी हैव टू थिंग्स, वन इज द काइंड ऑफ रिसोर्स, सेकेंड इज द इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स. सो हियर यू कैन सी दीज आर वन एंड आर टू, दीज आर टू डिफरेंट रिसोर्सेस. सो वेन एवर द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, इट इज गोइंग टू डू थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स, देन the process is going to use the resource and then we are going to release the resource. जैसे मैंने आपको बताया, so let us suppose this is the process PI. This process needs some resource. तो सबसे पहले ये resource की request करेगी. It is going to request for the resource from the operating system. If the resource is available, अगर resource available है, then this process is going to use the resource. And after using the resource, it is going to release the resource back to the operating system. If the resource is not available, agar resource aapka available nahi hai, in that case, the process has to wait. And as soon as the resource will be available, then the resource will be allocated. If the resource is not available, then the process will go for an infinite loop here. It will go for a loop. It will continue waiting for the resource. Right, so this is representing the release cycle here. The process will be waiting for the resource, and if this waiting becomes infinite, then we can say there exists a deadlock in the system. उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक हैंडल एग्जिस्ट करता है. नाउ जो डेडलॉक ऑकर होने के लिए, सो वेन एवर यू हैव अ डेडलॉक, देर आर फोर कंडीशंस दैट शुड हैपन साइमल्टेनियसली. अगर ये चारों कंडीशंस एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर हो रही है, देन ओनली डेडलॉक विल हैपन. सो व्हाट आर दिस फोर कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. दैट मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स एट अ टाइम. एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को एक्सेस ना कर पाए किसी भी गिवन टाइम के ऊपर. सो ओनली वन प्रोसेस शुड बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्स एट ए टाइम. Second condition is hold and wait. Hold and wait means the processes are holding for some resource and it is waiting for some other resource. Jaise ki, so let us suppose that you have three process. P1 process is there, we have a process P2, and we have a process P3, and we have three resources. We have resource R1, we have resource R2, and we have resource R3. So process P1 is holding the resource R1. Process P1 जो है उसने R1 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ. इट इज़ होल्डिंग द रिसोर्स R1 एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स R2. प्रोसेस P2 इज होल्डिंग द रिसोर्स R2 एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स R3. एंड प्रोसेस P3 इज होल्डिंग द रिसोर्स R3 एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स R1. So basically these processes are holding some resources and they are waiting for some other resources. ये सभी processes किसी resource को इन्होंने hold किया हुआ है और ये किसी resource के लिए wait कर रही है. So hold and wait condition should happen for a deadlock to occur. Then there is no preemption. That means you cannot forcefully release the resource. ऐसा नहीं हो सकता that this process P1 is forcefully releasing the resource that it is holding. अगर यहाँ पर P1 process R1 रिसोर्स को forcefully यहाँ से release कर दे, if it is going to release the resource R1, then P3 process can get the resource and P3 process can finish its task. Okay? So here no preemption should, this condition should also occur. The fourth condition here is circular wait. यानी कि ये जो सभी प्रोसेसेस हैं ये एक साइकिल में वेट करें. सो यू कैन सी हियर इट इज़ क्रिएटिंग अ साइकिल. इट इज़ क्रिएटिंग अ साइकिल. ओके, सो व्हेन दीज प्रोसेसेस आर वेटिंग दे आर क्रिएटिंग अ साइकिल. सो व्हेन ऑल ऑफ दीज फोर कंडीशंस आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, अगर ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली ऑकर हो रही है, देन ओनली देर विल एग्जिस्ट अ डेडलॉक. अदरवाइज देर विल नॉट बी एनी डेडलॉक इन द सिस्टम. So all these four conditions must hold simultaneously for the occurrence of deadlock. If any of these condition fails, then we can say the system can be ensured deadlock free. उस केस में जो सिस्टम है हम कह सकते हैं कि वो डेडलॉक फ्री रहेगा if any of these conditions can fail.
So these four conditions should occur simultaneously. Okay. So here we are going to discuss about the request allocation graph. तो सबसे पहला जो next topic है वो आपका request allocation graph है. So request allocation graph is more like a graph which is just specifying कि कौन सी process किस resource के लिए request कर रही है. So in a request allocation graph we have three important things. Number one, we should specify कि आपके पास कौन कौन सी processes हैं और कौन कौन से resources हैं. So in case of request allocation graph, these processes are represented by a circle. So I can represent a process in this manner. I'm going to represent a resource in this manner. Resource को हम एक rectangle से represent करेंगे. So I'm going to represent a resource with a rectangle. Then we have a requesting edge. So for example, if this is a process PI and this is the resource II, alright, and if I create an edge like this, that means this edge is a requesting edge. ये जो edge है, ये एक requesting edge है. It means the process PI needs the resource RI. And then we have an assignment edge. So let us suppose this is the process PI and this is the resource RI, and we have one instance of the resource RI. So every instance is represented by a dot. So here you can see if we have an edge from resource to the process, it means this resource is currently assigned to the process PI. ये जो resource है ये इस समय पर PI process को assigned है. So as I said, we have three things. One is we have a process, we have some types of resources, we have some processes which are requesting for the resources, and we have some resources which are assigned to the processes. जैसे कि as you can see this here, so process is represented by a circle. And if there are four instances of the resource, so we are going to represent it by four dots. हम उसको four dots से represent करते हैं. So what do you mean by instance of the resource? यानि कि आपके पास resource की कितनी copies हैं? How many copies of the resource you have? आपके पास कितनी copies हैं? जैसे कि for example, you have four printers. So if you have four printers, then you are going to represent four dots in this resource type. So this resource RI. So we have four printers of type RI, or can say four instances of resource RI, then we can represent it by four dot. Then after this, this is the request edge. So request edge means aapke paas process se lekar resource ki taraf ek edge banegi. So you are going to have a edge from process to resource. That is a request edge. Then we have a holding edge. You can say, so here you can see, we have an edge from the one instance of the resource RI to the process. आपके पास resource RI के एक instance से process की तरफ एक edge है, so that is representing a holding edge. Okay. So this is one of example of resource allocation graph. Now in this example, you can see R1 resource is having only one instance, R3 resource is having only one instance, R2 resource is having two instances, and R4 resource is having three instances. R4 resource ke teen instances hai. So for example, you can say this R4 resource is representing a printer. Ye ek printer ko represent karta hai. That means we have three printers here. And this R2 resource is representing a scanner. So that means we have two scanners here. This R3 resource is representing maybe a memory unit or maybe a CPU. Then we have only one CPU, right? So every instance represents how many copies of that particular resource we have. Now in this case, you can see the process P1 hai, process P1 is requesting for the resource R1, and R1 is holded by the process P2. Now this process P2 is requesting for the resource R3, but this R3 is holded by the resource, holded by the process P3. And this one instance of resource R2 is holded by the process P1, and another instance of resource R2 is holded by the process P2. Okay. This is an example of resource allocation graph. There are two examples here. So we have these two examples. In this first example, there is no deadlock. यहाँ पर कोई भी deadlock नहीं है. There is no deadlock. Why there is no deadlock? Because there does not exist a cycle here. ऐसा किस वजह से? Let me represent here.
सो दिस प्रोसेस P3 नीड्स ओनली द रिसोर्स R3, इसको सिर्फ R3 रिसोर्स की ज़रूरत है एंड इट इज़ करंटली हैविंग द रिसोर्स R3. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द प्रोसेस P3 विल गेट फिनिश्ड, जैसे ही ये फिनिश होगी, सो दिस इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स R3 विल गेट फ्री, ये जो इंस्टेंस है R3 का वो फ्री हो जाएगा. एज सून एज दिस इंस्टेंस ऑफ R3 विल गेट फ्री, दिस R3 विल बी असाइंड टू द प्रोसेस P2. ये उसके बाद ये P2 प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा. देन द P2 प्रोसेस विल बी एबल टू डू इट्स टास्क. द P2 प्रोसेस विल फिनिश द फिनिश आफ्टर फिनिशिंग द P2 प्रोसेस रिसोर्स R1 विल गेट फ्री, रिसोर्स R2 विल गेट फ्री एज वेल एज रिसोर्स R3 विल गेट फ्री. और जैसे ही रिसोर्स R1 फ्री होगा, दिस रिसोर्स R1 कैन बी अलोकेटेड टू द प्रोसेस P1 एंड द प्रोसेस P1 कैन ऑल्सो डू इट्स टास्क. सो बेसिकली इन दिस डायग्राम यू कैन सी हमारे पास कोई भी डेडलॉक ऑकर नहीं हो रहा है. वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डेडलॉक इन दिस गिवन डायग्राम. इस डायग्राम पर कोई भी डेडलॉक ऑकर नहीं हो रहा है. बट इफ़ यू सी वन मोर कॉपी ऑफ द सेम डायग्राम, बट हियर यू कैन सी देर इज अ स्लाइट चेंज. वट इज द चेंज? दैट दिस प्रोसेस P3 इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R2. जो प्रोसेस P3 है वो R2 रिसोर्स की भी रिक्वेस्ट कर रहा है. Now in this you can see every process is waiting for some resource and they are not going to get those resources because koi bhi resources free nahi hai. So in this case there exist a deadlock. Yahan par ek deadlock exist karta hai. Why? You can see the process P3 is holding the resource R3. It is waiting for the resource R2. Process P2 is holding the resource R1 and R2. It is waiting for the resource R3. And process P1 is holding the resource R2 and is waiting for the resource R1. So here there is a condition, hold and wait is happening. Hold and wait yahan par occur ho raha hai. Secondly there is a condition where there is a circular wait. To yahan par circular wait bhi occur ho raha hai. And third we cannot have a preemption. No preemption condition bhi occur ho rahi hai. And the fourth is mutual exclusion. वो चारों कंडीशंस यहाँ पर ऑकर हो रही है. दैट इज़ वाई वी कैन से इन दिस गिवन डायग्राम देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक. इस डायग्राम में डेडलॉक एग्जिस्ट करता है. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. सो हियर इन दिस डायग्राम वी हैव अ साइकिल बट वी डू नॉट हैव अ डेडलॉक. जैसे कि हियर यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ साइकिल. यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट करती है बट कोई डेडलॉक अकर नहीं हो रहा. वाई देर इज नो डेडलॉक हेयर? बिकॉज वाई देर इज नो डेडलॉक हेयर? बिकॉज दिस P2 प्रोसेस इट इज होल्डिंग द रिसोर्स R1. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस P2 प्रोसेस विल फिनिश. ये जो P2 प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगी एंड इट विल रिलीज द रिसोर्स R1. And here you can see this P4 process is holding the resource R2. After some point of time, the P4 process will get finished and this resource R2 will also get free. That means this instance of resource R1 can be given to the process P1 and this instance of the resource R2 can be given to the process P3. And these processes can do their task, and after these processes do their task, this entire system will be happy because सभी को अपने जो resources है वो मिल जाएंगे. So there is no deadlock in this system. इस system में कोई भी deadlock occur नहीं हो रहा है. But here also again you can see there's a diagram with the system which is a very complicated diagram here. But in this diagram also there is no deadlock. इस diagram में भी कोई भी deadlock नहीं है. There is no deadlock in this diagram. So you have to figure it out why there is no deadlock in this. So why it is having no deadlock? Because one instance of the resource R3 is still free. One instance of the resource R3 is not assigned to anyone. ये जो instance है ये किसी को assigned नहीं है. So let us suppose that you assign this instance of R3 to the process P2. Then after some point of time the process P2 will get finished. So when the process P2 will get finished, one instance of R2 will be free as well as one instance of R3 will be free. R2 ka bhi ek instance free ho jayega aur R3 ka bhi ek instance free ho jayega. When these instances of R2 and R3 will get free, now this instance can be assigned to the process P0 and this instance also cannot be assigned to the process P0. Ye dono jo instances hain wo process P0 ko assign kiye ja sakte hain. Then process P0 will also get free.
जैसे ही प्रोसेस पी नॉट फिनिश होगी इट विल फ्री वन इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स आर वन एज वेल एज इट विल ऑल्सो फ्री वन इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स आर टू इट विल ऑल्सो फ्री वन इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स आर थ्री एंड दे कैन बी असाइन टू अदर प्रोसेसेस. सो इन दिस गिवन डायग्राम यू कैन सी वी हैव अ साइकिल, देयर एग्जिस्ट अ साइकिल इन दिस डायग्राम बट देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेडलॉक, देयर इज नो डेडलॉक हियर. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स? If a graph contains no cycle, then we can say there does not exist any deadlock. तो उस केस में कोई भी deadlock exist नहीं करता. But if the graph contains cycle और हर एक resource single instance type resource है, then we can say there exist a deadlock. अगर graph cycle contain करता है और हर एक resource आपका single instance type resource है, तो उस केस में deadlock exist करता है. But if एवरी रिसोर्स इज मल्टीपल इंस्टेंस टाइप, अगर आपके जो रिसोर्सेज है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेज एग्जिस्ट करती है एंड द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेड लॉक. दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी अगेन टेल यू, मैं फिर से बताता हूँ. अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती दैट मीन्स देर इज नो डेड लॉक. फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव अ ग्राफ लाइक दिस, दिस इज द रिसोर्स आर वन, दिस इज द रिसोर्स आर टू. The resource R1 is assigned to the process P1 and the resource R2 is assigned to the process P2. Now you can see there is no cycle in this system and there does not exist any deadlock. यहाँ पर कोई भी deadlock occur exist नहीं करता. Okay? And secondly, if graph contains a cycle and every resource is single instance type, अगर हर एक resource single instance type है then there is a deadlock. For example here, let me show you with the help of an example. So this is one resource of the R1 type, this is one resource of R2 type, this is the process P1, this is the process P2. P1 is requesting for resource R1, one instance of R1 is holded by P2. P2 is requesting for the resource R2 and one instance of R2 is holded by P1. So in this case there exists a cycle and every resource is of single instance type, therefore देर एग्जिस्ट अ डेडलॉक. तो यहाँ पर एक डेडलॉक ऑकर करता है. बट इफ यू लुक एट वन मोर डायग्राम हियर, सो हियर यू कैन सी दिस रिसोर्स आर वन, देर आर टू इंस्टेंसेज, आर वन के दो इंस्टेंसेज है, दिस इज द रिसोर्स आर टू एंड देर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर टू. दिस पी वन प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स आर वन, इट इज होल्डिंग द रिसोर्स आर टू. दिस पी टू प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स आर वन, इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स आर टू. Now in this case you can see even though there exists a cycle, even though यहाँ पर एक cycle exists करती है but there does not exist any deadlock. Why? This instance can be assigned to the process P1. ये जो instance है वो P1 को assign किया जा सकता है. So if the resources are of multiple instance type then having a cycle is not the only condition or not the you know necessary, it is not sufficient condition for having a deadlock. अगर resources multiple instance type के हैं तो उसमें cycle exist करना एक sufficient resource, एक sufficient condition नहीं है deadlock occur होने के. But it is a necessary condition, it is not a sufficient condition. So you can see in a resource allocation graph where all resources are not single instance type, उस केस में if a cycle is being formed then the system may be in a deadlocked state. System जो है deadlock state पर हो सकता है but we cannot guarantee it. So we use Banker's algorithm to confirm whether the system is in deadlock state or not. If there is no cycle is being formed then the system is not in deadlock state. अगर कोई भी cycle नहीं है तो system जो है वो deadlock state में नहीं है. But if there is a cycle in this case it is a necessary condition but it is not a sufficient condition for deadlock. अगर multiple instance type के resources है और वहाँ पर cycle exist करती है तो वो एक necessary condition है deadlock occur होने के लिए but वो एक sufficient condition नहीं है. So you should know कि necessary condition क्या है and you should know the sufficient condition क्या है. Okay? These are some of the questions. Please check out these questions. Check out the first question here. This is the first question. This is the second question, this is the third question and this is the fourth question. All of these questions are very very easy. Just look at the question number one. So the first question, an operating system contains three user processes, each require two units of the resource type R. आपके पास तीन processes हैं,
So we have a process P1, we have a process P2, and we have a process P3. So this process P1 requires 2 units of the resource R. Isko 2 units ki zarurat hai. This process also requires 2 units of the resource R, and this process also requires 2 units of the resource R. Now they're asking the minimum number of units of R such that no deadlock will ever arise. कम से कम कितने यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर होनी चाहिए कि कोई भी डेडलॉक अराइज ना हो. दे शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपके पास मैक्सिमम कितनी यूनिट हो सकती है, स्टिल देर कैन बी डेडलॉक. सो लेट अस सपोज दैट वी हैव 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर. अगर रिसोर्स टाइप आर की 3 यूनिट्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव 1 यूनिट टू द प्रोसेस P1, यू कैन गिव 1 यूनिट टू द प्रोसेस P2, यू कैन गिव 1 यूनिट टू द प्रोसेस P1. तीनों को आप एक एक यूनिट देंगे, स्टिल देर एग्जिस्ट अ डेडलॉक. बट इफ यू ऐड 1 मोर रिसोर्स टाइप R, अगर आप एक और रिसोर्स टाइप R को ऐड कर देंगे, देन दिस रिसोर्स टाइप कैन बी असाइन टू एनी वन ऑफ देम. ये इनमें से किसी को भी असाइन किया जा सकता है एंड दे विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक. सो फॉर द ऑप्शन नंबर 1, आई मीन द क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. बिकॉज इफ यू हैव अ मिनिमम, दे आर नॉट आस्किंग आउट कि कितने रिसोर्सेज होने चाहिए एट मैक्सिमम. दे आर आस्किंग what is the minimum number of resources are required. So the minimum number of resources that are required is 4. If you have a minimum of 4 resources, then you can guarantee that the system will not have any kind of deadlock, because you can assign one resource to each one of them. A fourth resource aap jisko bhi assign karenge, that process will get finished and the resource can be allocated to someone else. So minimum, if you have 4 resources, then they'll not be having any kind of deadlock. Okay. If you look at the question number 2 here, they are saying a system has 6 tape drives with n processes competing for them. So you have a process P1, you have a process P2, you have a process P3, up to so on, you have a process PN. Aapke paas total n processes hai and you have 6 tape drives. Aapke paas jo resources hai, it is of 6 instances. Now each process may need 3 tape drive. Har ek process ko 3 tape drives chahiye. So process P1 needs 3 tape drives, process P2 needs 3 tape drives, process P3 needs 3 tape drives. In the same way, process PN needs 3 tape drives. Now they're asking, what is the maximum value of N for each system for which the system is guaranteed to be deadlock free? तो मैक्सिमम कितनी प्रोसेसेस हो सकती हैं कि जिसमें हम गारंटी कर सकें कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक फ्री है, सो दैट द सिस्टम इज डेडलॉक फ्री. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन असाइन मैक्सिमम ऑफ 2 रिसोर्स टू एवरी प्रोसेस एंड स्टिल दे विल बी डेडलॉक. आई मीन टू से हर एक प्रोसेस को 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन असाइन 2 रिसोर्स टू द प्रोसेस P1, you can assign 2 resources to the process P2, you can assign 2 resources to the process P3, you can assign 2 resources to the process PN. अगर आप हर एक प्रोसेस को दो दो रिसोर्स भी असाइन करेंगे, स्टिल देर एग्जिस्ट डेडलॉक, स्टिल डेडलॉक इज देयर. तो उस केस में भी डेडलॉक ऑकर हो सकता है. दैट मीन्स इफ यू हैव 2 × n resources, because there are n process and you are assigning 2 resources to every process, if still there are 2 × n resources, then still there exist a deadlock. So resources tab bhi aapke paas deadlock occur hoga, but in somehow if you can assign 1 more extra resource, I mean if you can do 2 × n + 1 resource, right? So if you have 1 more extra resource, in that case you can see there is no deadlock. To us case mein yahan par deadlock occur nahi hoga. Okay. Now in this case, what you can identify कि आपके जो number of resources है वो 6 है. The number of resources are 6. That means these number of resources should be greater than 2 × n. क्योंकि अगर 2 × n resources होंगे, still there will be a deadlock. These number of resources should be greater than 2 × n. Okay? Correct? So I mean to say, if there are 6 tape drives, so these 6 tape drives should be greater than 2 × n, or you can say this n should be less than 6/2, or you can say 3. N jo hai wo 3 se kam hona chahiye, or you can say if you have 3 processes, still there can exist a deadlock, n should be less than 3. If n should be less than 3, then the maximum value of n can be 2. So n ki jo maximum value hai wo 2 ho sakti hai. So I mean to say that there can be a maximum of 2 processes and still they'll not be having any kind of deadlock.
आपके पास मैक्सिमम दो प्रोसेस हो सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई डेडलॉक ऑकर ना हो. इफ़ यू हैव मोर देन टू प्रोसेस, अगर आपके पास तीन प्रोसेस हैं, स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. आपके पास फिर भी एक पॉसिबिलिटी है डेडलॉक ऑकर होने की. ओके, नो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. अ कंप्यूटर हैज 6 टेप ड्राइव्स. एक कंप्यूटर में 6 टेप ड्राइव्स है विद एन प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर देम. ईच प्रोसेस में नीड 2 ड्राइव्स. हर एक प्रोसेस को 2 ड्राइव्स चाहिए, राइट? सो यू हैव प्रोसेस P1, यू हैव अ प्रोसेस P2, यू हैव अ प्रोसेस P3. इन द सेम वे यू हैव अ प्रोसेस PN. एंड एवरी प्रोसेस नीड्स 2 रिसोर्सेज. ओके, सो इट नीड्स 2 रिसोर्स, इट नीड्स 2 रिसोर्स, इट नीड्स 2 रिसोर्स, इट नीड्स 2 रिसोर्स. ओके, नाउ व्हाट इफ वी एलोकेट 1 रिसोर्स टू एवरी प्रोसेस. हर एक प्रोसेस को 2 रिसोर्स चाहिए. अब हमेशा उसमें से एक रिसोर्स कम एलोकेट करो. सो व्हाट इफ वी एलोकेट 1 रिसोर्स टू एवरी प्रोसेस. इफ यू एलोकेट 1 रिसोर्स टू एवरी प्रोसेस, दैट मीन्स इवन इफ यू हैव 1 × n रिसोर्सेज, अगर आपके पास 1 × n रिसोर्सेज होंगे, स्टिल देयर कुड बी अ डेड लॉक. स्टिल देयर कुड बी अ डेड लॉक. तब भी डेड लॉक ऑकर हो सकता है. So that means if you have n resources, still there could be a deadlock. So your number of resources should be greater than this. So this n should be greater than the number of resources. ये जो number of resources से ज़्यादा होने चाहिए. So if the number of resources are 6, so this n should be greater than 6. n जो है वो 6 से ज़्यादा होने चाहिए. I'm so sorry, I think I've done a little mistake here. So this n should be less than the number of resources. Okay, so because if here we have 5 processes, agar aapke paas 5 processes hongi, still if you have 5 processes, then you can assign 1 resource to every process, and the last 1 resource extra bachega you can give to any process. So if you have 5 processes, still there not be any kind of deadlock. So correct answer is option number B. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? सो सी, वेन एवर यू हैव एनी नंबर ऑफ प्रोसेस, आपके पास जितनी भी प्रोसेसेस गिवन है, जैसे कि आपके पास एन प्रोसेस है, सो P1, P2, P3 अप टू सो ऑन PN, और हर एक प्रोसेस को R1, R2 और R3 अप टू सो ऑन RN रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. सो इफ़ यू गिव देम 1 रिसोर्स लेस, यानी कि अगर ऐसा होकर हो, टू द प्रोसेस P1 आई एम गिविंग R1-1 रिसोर्स, अगर आप प्रोसेस P2 को R2-1 रिसोर्स देंगे, अगर आप प्रोसेस P3 को R3-1 रिसोर्स देंगे, और प्रोसेस PN को RN-1 रिसोर्स देंगे, देन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स देयर, नंबर ऑफ रिसोर्स दैट स्टिल देर कुड बी डेडलॉक. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं कि यहाँ पर स्टिल डेडलॉक ऑकर हो? दैट इज R1-1 प्लस R2-1 प्लस अप टू सो ऑन RN-1. यानी कि अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, तब भी आपके पास डेडलॉक ऑकर हो सकता है. सो दिस वैल्यू इज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन RN-N, विच इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n RI-N. यानी कि अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, स्टिल देर माइट एग्जिस्ट अ डेडलॉक, तब भी आपके पास एक डेडलॉक ऑकर हो सकता है. सो इफ़ द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव इज मोर देन दिस, अगर आपके पूरे सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज है वो इससे ज़्यादा है, देन देर नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक. उस केस में डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. सो आगे एक क्वेश्चन आएगा, सो अगेन वी विल बी लुकिंग एट दैट क्वेश्चन, देन योर डाउट विल बी क्लेरिफाइड. ओके, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन हियर. कंसिडर सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप. आपके पास टोटल m रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाई 3 प्रोसेसेस ABC. आपके पास 3 प्रोसेस है, यू हैव अ प्रोसेस PA, यू हैव अ प्रोसेस PB एंड यू हैव अ प्रोसेस PC. लेट मी राइट इट हियर. सो PA प्रोसेस, PB प्रोसेस एंड PC प्रोसेस. आपके पास 3 प्रोसेसेस है, PA, PB एंड PC. सो प्रोसेस PA रिक्वायर्स 3 इंस्टेंसेस, इसको 3 इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है. प्रोसेस PB रिक्वायर्स 4 इंस्टेंसेस, इसको 4 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. एंड दिस प्रोसेस PC रिक्वायर्स 6 इंस्टेंसेस, तो इसको 6 इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट वी डू इज, इफ वी अलोकेट 2 इंस्टेंस टू द प्रोसेस PA, इफ वी अलोकेट 3 इंस्टेंस टू द प्रोसेस PB, इफ वी अलोकेट 5 इंस्टेंस टू द प्रोसेस PC, देन स्टिल देयर इज अ डेडलॉक. यानी कि अगर आपके पास 2 + 3 + 5, यानी कि अगर आपके पास टोटल 10 रिसोर्सेज हैं,
इफ़ यू हैव टोटल 10 रिसोर्सेज, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक आकर हो सकता है. सो इफ़ यू हैव अ टोटल ऑफ 10 रिसोर्सेज इन द सिस्टम, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. सो योर वैल्यू ऑफ एम शुड बी ग्रेटर देन 10. आपके पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो 10 से ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास 10 रिसोर्सेज है तब भी डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी है. सो योर एम शुड बी ग्रेटर देन 10. हैंस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज देयर इज ओनली वन आंसर जो कि 10 से ज़्यादा है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हियर. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन हियर. अ सिस्टम हैज 6 आइडेंटिकल रिसोर्सेज एंड एन प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर देम. आपके पास 6 रिसोर्सेज हैं, सो यू हैव 6 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स आर एंड देयर आर टोटल ऑफ एन प्रोसेस. यू हैव अ प्रोसेस P1, यू हैव अ प्रोसेस P2, यू हैव अ प्रोसेस P3, अप टू सो ऑन, यू हैव अ प्रोसेस PN. ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट एट मोस्ट 2 रिसोर्स. इस प्रोसेस को 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन कुड लीड टू अ डेडलॉक. इसमें से एन की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे डेडलॉक ऑकर हो. ओके, सो इफ वी अलोकेट वन रिसोर्स लेस टू एवरी प्रोसेस देन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. सो अगर आप P1 प्रोसेस को 1 रिसोर्स देंगे, if you give one resource to the P2 process, if you give one resource to the P3 process, in the same way if you give one resource to the PN process, still there is a possibility of deadlock, right? तो तब भी possibility है deadlock occur होने की. और जो आपके पास ये जो value है 6, okay, so this should be greater than these. तो ये जो 6 है वो इसे बड़ी होनी चाहिए. that means if we have 1 + 1 + 1 up to so on n times, if you have these many resources, still there is a possibility of deadlock. So this 6 should be greater than this. तो जो 6 है वो इसे बड़ा होना चाहिए. Therefore you can say this is equal to n should be less than 6. n जो है वो 6 से कम होना चाहिए. और you can say you have number of processes should be less than 6, then there is no deadlock. If your number of process is equal to 6 or if your number of process is greater than 6, there is a deadlock. Okay, so what you can do here is, because every process needs at most 2 resource, so we can assign 1 resource to every process and then 1 extra resource could be there, right? Just 1 second. So we have 6 identical resources and n process competing for them. Each process request at most 2 resource, right? So agar aapke paas 5 processes hai, if you assign 1 resource to each of these 5 processes, agar har ek process ko aapne ek resource ko allocate kar diya, you have 5 processes. If you have assigned 1 resource to each of these processes, there is a deadlock. And agar aapke paas ek extra resource hai, there is no deadlock here. So the correct answer here, have I done any mistake? So basically, if you have 5 processes, then there's no deadlock. If you have 6 processes here, then there is deadlock. 6 process hongi to deadlock occur ho sakta hai. If you have 5 processes, there is no deadlocks. So again, even if you have D is equal to 4, tab bhi deadlock occur nahi hoga, right? So still, if you have 4 processes, still there not be any deadlock. Let me check if there's any mistakes here. So they are saying a system has 6 identical resources and processes competing for them. Each process can request at most 2 resources. Which of the following value of n could lead to a deadlock? इसमें से कौन सी वैल्यू जो है उसको डेडलॉक, उस पर डेडलॉक ऑकर होगा. सो इफ यू हैव 6 प्रोसेसेस देन देर कैन बी अ डेडलॉक. ओके, तो 6 प्रोसेस होंगी तो डेडलॉक ऑकर हो सकता है. इफ यू हैव 3 प्रोसेसेस स्टिल देर इज नो डेडलॉक. और 4 प्रोसेस में कोई डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. यस, तो यहाँ पर अगर आपके पास 5 प्रोसेस होंगे, स्टिल देर विल बी डेडलॉक. अगर 6 प्रोसेस है, देन ओनली देर कैन बी डेडलॉक. लेस देन 6 प्रोसेस विल नॉट हैव एनी डेडलॉक. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी 6 ओनली. तो करेक्ट आंसर जो है वो 6 होना चाहिए, बट 6 इज नॉट इन द ऑप्शंस, राइट? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस गिवन है, देर इज नो डेडलॉक्स हियर. इन ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शंस देर इज नो डेडलॉक. So here we have 4 resources, right? 4 processes, process P1, P2, P3 and P4.
एवरी प्रोसेस नीड्स टू रिसोर्स, हर एक प्रोसेस को दो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. सो दैट मीन्स अ टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स दैट वी रिक्वायर इज 8. बट इफ़ यू गिव वन रिसोर्स टू एवरी प्रोसेस, यहाँ पर इसको वन रिसोर्स दिया, यहाँ पर इसको वन दिया, यहाँ पर इसको वन दिया, यहाँ पर इसको वन दिया, दैट मीन्स इफ़ यू हैव 4 रिसोर्सेज, अगर आपके पास 4 रिसोर्सेज हैं, स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. इफ़ यू गिव वन एक्स्ट्रा रिसोर्स देन देर इज नो डेडलॉक हियर, तो आपके पास डेडलॉक ऑकर नहीं हो सकता. सो इन दिस केस यू कैन सी देर आर ऑलरेडी गिविंग अस 6 रिसोर्सेज, आपके पास 6 रिसोर्सेज हैं, तो 6 रिसोर्स केस में यहाँ पर डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. सो देर नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक हियर. चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट रीड द क्वेश्चन. सपोज देर आर एन प्रोसेसेस P1 टू PN, आपके पास एन प्रोसेसेस हैं. सो वी हैव अ प्रोसेस P1, वी हैव अ प्रोसेस P2, वी हैव अ प्रोसेस P3, इन द सेम वे वी हैव अ प्रोसेस PN. एंड दीज प्रोसेसेस आर शेयरिंग M रिसोर्स यूनिट्स, आपके पास टोटल M रिसोर्स यूनिट है, which can be reserved and released one at a time. Now they're asking, the maximum requirement of the process PI is SP. So this every process requires SI resource. So this is not basically SP, this is SI. So this P1 process needs S1 resource. This P2 process needs S2 resource. This P3 process needs S3 resource. In the same way, this PN process needs SN resources. Now, which of the following is a sufficient condition? Remember, they are not asking about the necessary condition. They are just asking about the sufficient condition. So, काफ़ी ऐसे questions हो सकते हैं where they are asking the necessary condition. In some questions, they are asking the sufficient condition. So, here they are asking, which of the following is a sufficient condition for ensuring that deadlock does not occur? कि इसमें से कौन सी ऐसी sufficient condition है जो ensure कर सके यहाँ पर deadlock occur नहीं होगा. So here they are saying that you have total of n process, P1, P2 up to so on PN, and every process requires SI resources. Now which of the following is a sufficient condition for ensure that deadlock does not occur? इसमें से कौन सी ऐसी sufficient condition है ये ensure करने के लिए कि deadlock occur ना हो. So what you can do is, to every process if you can give one less resource, यानी कि यहाँ पर अगर आप S1-1 resource देंगे, यहाँ पर अगर आप S2-1 resource देंगे, यहाँ पर आप S3-1 resource देंगे, और यहाँ पर आप SN-1 रिसोर्स देंगे. अगर आप इतने रिसोर्सेज यहाँ पर दे रहे हैं, स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. ओके, सो और यू कैन से इफ़ यू हैव S1-1 प्लस S2-1 प्लस S3-1 प्लस अप टू सो ऑन SN-1 रिसोर्सेज, स्टिल देर कुड बी अ डेडलॉक, यहाँ पर फिर भी डेडलॉक आकर हो सकता है. So that means your number of resources, this value of M should be greater than this. आपके जो number of resources है वो इससे ज़्यादा होने चाहिए. This M should be greater than this. Because they are saying कि आपके पास M resources है, तो आपकी जो M की value है वो इससे बड़ी होनी चाहिए. So you can see this will be written as S1 plus S2 plus S3 up to so on SN minus N is less than M. और कैन से समीशन I इज इक्वल टू 1 to n SI-n इज लेस देन M, और यू कैन से समीशन I इज इक्वल टू 1 to n SI शुड बी लेस देन M प्लस N. तो ये जो वैल्यू है वो M प्लस N से लेस होनी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. यू गाइज आर सुपर स्मार्ट, आप बहुत अच्छा काम किया आप सभी ने, वेरी गुड. बट टेक दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट Not do not take this question for granted. It is a little tricky one because here they are asking about the necessary condition. इस question में वो necessary condition को पूछ रहे हैं. The previous question they have asked about the sufficient condition. In this question they are asking about the necessary condition. इस question में ये लोग necessary condition की बात कर रहे हैं. They are asking about what is the necessary conditions here. Okay, read the question here carefully. Consider the following snapshot of a system with n processes. आपके पास total n process हैं. The process I is holding XI instance of the resource R. Now, currently all instances of R are occupied. सभी resources के जितने भी instances हैं सभी occupied है. For all I, I has placed an additional request for the resource YI instances. While holding the resource XI instances, it already has. There are exactly two process P and Q such that YP and YQ is equal to 0. Which of the following
कैन सर्व एज ए नेसेसरी कंडीशन, इसमें से कौन सा एक नेसेसरी कंडीशन हो सकता है टू गारंटी दैट द सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग अ डेडलॉक. सो रिमेंबर हियर दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द सफिशिएंट कंडीशन, दे आर आस्किंग अबाउट द नेसेसरी कंडीशन. सो यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर. प्लीज ट्राई योर आंसर्स. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन हियर. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, कंसीडर फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम रनिंग एन प्रोसेस. आपके पास टोटल एन प्रोसेस है. सो यू हैव द प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4, अप टू सो ऑन यू हैव अ प्रोसेस PN. आपके पास टोटल एन प्रोसेसेस हैं. प्रोसेस I इज होल्डिंग द रिसोर्स XI ऑफ द रिसोर्स RI. तो दिस प्रोसेस P1 इज होल्डिंग द X1 रिसोर्स, दिस प्रोसेस P2 इज होल्डिंग द X2 रिसोर्स, दिस प्रोसेस P3 इज होल्डिंग द X3 रिसोर्स, दिस प्रोसेस P4 इज होल्डिंग द X4 रिसोर्स. In the same way, this process PN is holding the XN resources. And further, for all I has placed an additional request of the resource YI. Yani ki in sabhi processes ko, this process P1 needs Y1 resource, this process P2 needs Y2 resource, this process P3 needs Y3 resource, this process P4 needs Y4 resource. तो प्रोसेस P4 को यहाँ पर Y4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. एंड दिस प्रोसेस PN नीड्स YN रिसोर्स. हर एक प्रोसेसेस को इतने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ देयर आर एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस P एंड Q सच दैट YP इज इक्वल टू YQ इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी हैव अ प्रोसेस विच इज PY एंड वी हैव अ प्रोसेस PQ. सो फॉर दिस प्रोसेस PY, दिस YP इज इक्वल टू 0 एंड फॉर दिस PQ प्रोसेस दिस YQ इज इक्वल टू 0. दो प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस YP प्रोसेस इज होल्डिंग XY रिसोर्स एंड दिस PQ प्रोसेस इज होल्डिंग XQ रिसोर्सेज. तो इन्होंने इतनी रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है एंड दे डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ नेसेसरी कंडीशन टू गारंटी दैट सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग डेडलॉक. इसमें से ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जो एक गारंटी कर सकती है कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक अप्रोच नहीं कर रहा. नाउ इफ यू कैन लुक एट दिस सिस्टम, सो यू कैन सी यू हैव टू प्रोसेसेस हियर हु डू नॉट नीड एनी मोर रिसोर्सेज. दोनों प्रोसेसेस को कोई और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट मीन्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज रिसोर्सेज विल गेट फ्री. कितने रिसोर्स फ्री हो जाएंगे? यू हैव XY, this is XP, right? So this is YP, right? So yahan par ye YP tha, so this is, you can say it is XP, right? So PP PQ, right? So you can say you have these extra resources, which is XP plus XQ resources will get free after some time, will get free after some time. इतने रिसोर्सेज जो है वो फ्री हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद. व्हाई? बिकॉज दीज टू रिसोर्स प्रोसेसेस डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स. इन दोनों प्रोसेसेस को कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ इन दिस केस दे आर आस्किंग व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन टू गारंटी दैट सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग डेडलॉक. यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सिस्टम डेडलॉक अप्रोच ना करे. सो व्हेन दीज प्रोसेसेस विल गेट फ्री, एट लीस्ट यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ वन ऑफ देम. जितने भी ये आपके पास रिक्वायरमेंट है, सो यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम. बिकॉज अगर आप इनमें से किसी एक की नीड को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, देन यू कैन नॉट गेट द सिस्टम आउट ऑफ द डेड लॉक. सो वट आई मीन टू से इज यू हैव टू टेक द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आउट ऑफ Y1, Y2, Y3, अप टू सो ऑन YN. आपको इन सभी में से एक मिनिमम वैल्यू को लेना पड़ेगा एंड यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ दैट मिनिमम YI. आपको उसकी जो रिसोर्स है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. और यू कैन से इफ दे आर आस्किंग अबाउट दिस वन, राइट? सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट द नेसेसरी कंडीशन, सो इन केस ऑफ नेसेसरी कंडीशन यू हैव टू सेटिस्फाई द बिगेस्ट प्रोसेस. यहाँ पर आप जो सबसे बड़ी जो प्रोसेस है एटलीस्ट उसकी आप नीड को सेटिस्फाई कर सको. सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक द मैक्सिमम प्रोसेस, मैक्सिमम बिटवीन Y1, Y2, Y3 अप टू सो ऑन YN. इसमें से जो सबसे बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई दैट रिक्वायरमेंट. एंड If this value should be greater than this, ये जो value है ये आपकी इससे बड़ी होनी चाहिए. So that means this value here, which is XP
plus x cube should be greater than this maximum requirement. Okay, so I mean to say, in this way you can take maximum from yi such that this I is equal to 1 to n, but I is not equal to p and q. So this maximum requirement you should be able to satisfy. तो आपकी ये जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. देयर फोर यू कैन सी द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा. सो देखो यहाँ पर लिटल क्वेश्चन, वाई दिस क्वेश्चन वॉज लिटल ट्रिकी, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द नेसेसरी कंडीशन, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द सफिशियंट कंडीशन. वो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो एक सफिशियंट कंडीशन की बात नहीं कर रहे. सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि जितनी भी प्रोसेसेस को एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, इसमें से जिसको सबसे ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट अगर आप उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो, देन यू कैन से दैट सिस्टम इज नॉट गारंटीड टू बी डेडलॉक फ्री. मैंने यहाँ पर मिनिमम क्यों नहीं लिया, वाई आई हैव नॉट टेकन अ मिनिमम वैल्यू, because let us assume that minimum value here is 1 and all other process, जैसे P1 process 1 instance of the resource Y1 and it is holding only 1 instance of X1. Let us assume that, right? So that means अगर P1 process finish होगी, it is going to have, you know, 2 instances. तो उसको 2 instances requirement होगी. And let us suppose that each of these process requires at least 3. हर एक process को कम से कम 3 की requirement है. That means if you satisfy the need of the minimum process, then still it can happen that you are not able to satisfy the need of anyone else. आप दूसरों की need को satisfy नहीं कर पा रहे. So what you have to identify कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा requirement है जिस भी process की. So a process which requires a maximum Y resources, so you should be able to satisfy the need of that process, so that if the resources get free, then you should be able to satisfy the need of other processes one by one. Okay, is it clear so far? Itna clear aap sabhi ke saath. So dekho sabse jo important question hai aapka, so one of the most important question that you might be having ki sir isme se humne minimum ki requirement ko kyu satisfy nahi kiya, humne yahan par sabse maximum ki requirement ko kyu satisfy kiya. Let me explain you. राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू मिनिमम एंड मैक्सिमम. देखो, लेट अस सपोज आपके पास 5 प्रोसेस है. यू हैव अ प्रोसेस P1, यू हैव अ प्रोसेस P2, यू हैव अ प्रोसेस P3, यू हैव अ प्रोसेस P4 एंड यू हैव अ प्रोसेस P5. एंड लेट अस अज्यूम ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर होल्डिंग सम रिसोर्स. जैसे कि प्रोसेस P1 ने 1 इंस्टेंस को होल्ड किया, प्रोसेस P2 ने 2 इंस्टेंसेस को होल्ड किया, प्रोसेस P3 ने 5 इंस्टेंस को होल्ड किया, प्रोसेस P4 ने 3 को, और प्रोसेस P5 ने लेट अस अज्यूम 2 इंस्टेंसेस को होल्ड किया हुआ है. एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम एडिशनल रिसोर्सेज. सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर जो प्रोसेस P1 है उसने उसको 0 एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए. Process P2 requires 0 additional resource, process P3 requires 5 additional resource, process P4 requires 3 additional resource, or make it 4 additional resource, and process P5 requires, let us assume, 7 additional resource. Process P5 jo hai, usko 7 additional resources ki requirement hai. So what will happen here in this case, that because P0 and P1 and P2 do not need any resource, इन दोनों कोई resources की requirement नहीं है. That means after some point of time, these 3 resources will get free. ये जो 3 resources हैं ये free हो जाएंगे, and then you can allocate these 3 resources to other process. But यहाँ पर आप देख सकते हो that they require a minimum of 4. यहाँ पर सबको कम से कम minimum 4 की requirement है, right? But still अगर आप इस 4 की need को भी satisfy करेंगे, still you might struggle to satisfy the need of other processes. तो आप यहाँ पर किसी की need को satisfy नहीं कर पा रहे, you are not able to satisfy the need of any other process. So what I'm trying to say is कि यहाँ पर जो भी need की requirement हो, let us suppose we have something like this, that these processes require 1, 2 and this requires 3 resources, right? So out of these 3 resources, you should be able to satisfy this maximum requirement. आप इस maximum requirement को satisfy कर पाए, आपको देखना है, you should be able to satisfy this maximum request, not the minimum. आपको minimum की नहीं देखना. Why? आपको minimum क्यों नहीं देखना? Let me give a snapshot here. I'll take a dummy value so that you are able to understand here. ठीक है, देखो. Let us suppose P3 is holding 1 instance. It is requesting for maybe 3 instances. P4 is holding maybe only 5 instance, and it is requesting for maybe 7 instances.
एंड P5 इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द 8 इंस्टेंसेज, इट इज़ होल्डिंग 4 इंस्टेंस. अब देखो यहाँ पर इवन इफ यू हैव 3 रिसोर्सेज आर गेटिंग फ्री, आप 3 रिसोर्सेज अगर आप यहाँ पर फ्री हो रहे हैं, एंड इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, इफ़ यू आर जस्ट एबल टू सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वेस्ट, अगर आप इन तीनों में से सिर्फ मिनिमम रिक्वेस्ट को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे, सो वट विल हैपन, दिस P3 प्रोसेस विल टेक दिस 3 रिसोर्स एंड इट विल फ्री ओनली 1. तो यानी कि उसके बाद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम 4 रिसोर्सेज फ्री होंगे, लेकिन इन 4 रिसोर्सेज में से वी विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ P4 एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ P5. आप P4 और P5 की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज़ वाई वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक फॉर द मैक्सिमम. आप जो ये रिसोर्सेज फ्री हो रहे हैं, यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, नॉट द मिनिमम. बिकॉज मिनिमम आप सेटिस्फाई करेंगे डज नॉट गारंटी कि आप बाकी सभी की नीड को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई दिस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट. जो भी रिसोर्सेज फ्री हो रहे हैं उसमें से अगर आप इस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, देन देर इज स्टिल अ चांस कि यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज फ्री होंगे यू कैन अलोकेट टू दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस कैन फिनिश इट्स टास्क. तो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन पूछी गई है, अकॉर्डिंग टू दिस नेसेसरी कंडीशन यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मैक्सिमम 1. मिनिमम इज नॉट अ प्रॉब्लम, मिनिमम जो है वो यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आर सेटिस्फाइंग द मिनिमम 1 तब भी सिस्टम डेडलॉक में ऑकर होगा ही होगा, बट यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई एटलीस्ट द मैक्सिमम 1. आपको मैक्सिमम को ही सेटिस्फाई करना है. ओके, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक्स. तो आपके पास जो डेडलॉक है उसको हैंडल कैसे करते हैं? सो बेसिकली देर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हियर. द फर्स्ट मेथड इज टू एंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर डेडलॉक स्टेट. पहला मेथड ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि सिस्टम जो है वो कभी भी डेडलॉक की स्टेट में एंटर ना हो. सो इन दिस केस वी हैव 2 थिंग्स, वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन एंड सेकेंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस. अब डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस जो है, these are the 2 methods which is going to say that never allow the system to be in the deadlock state. Secondly is to allow the system to enter the deadlock and then recover. aap system ko deadlock mein jane de aur uske baad fir aap recover kare. and the third is ignore the problem. it is also called as ostrich approach. isko hum ostrich approach bhi bolte hain. so basically ostrich is a bird. ostrich ek bird hai. so ostrich karta kya hai? so whenever there is a sandstorm, jab bhi ek sandstorm aata hai, what does this ostrich bird do? ye ostrich bird kya karta hai? ostrich bird apna jo sir hai वो एक गड्ढा खोदता है, मतलब इट डिग्स अ होल. एक ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदेगा, इट डिग्स अ होल, और उस होल के अंदर द ऑस्ट्रिच बर्ड इज़ गोइंग टू पुट इट्स फेस, और कैन से पुट इट्स माउथ. सो इट विल एज्यूम कि सैंडस्टॉर्म आएगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज़ द ऑस्ट्रिच अप्रोच, राइट? कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट इग्नोर कि प्रॉब्लम आई ही नहीं है. सो दिस ऑस्ट्रिच अप्रोच इज़ followed by many of the operating system. For example, Unix is an operating system which is following the ostrich approach. In the same way, in the earlier version of Windows also, they have followed the ostrich approach. That means they have they said let the deadlock occur, does not matter, because deadlock is a very rare phenomena. deadlock jo hai ek bahut hi rare phenomena hai. it is not going to happen very frequently. it is like once in a year kind of a phenomena. once in a year. तो वंस इन अ ईयर काइंड ऑफ अ फिनोमेना है डेडलॉक. एंड मोस्ट ऑफ द पर्सनल होम बेस्ड कंप्यूटर यूजर्स, जो भी हमारे जैसे कंप्यूटर यूजर्स हैं, वी आर नॉट डूइंग लॉट ऑफ मीनिंगफुल टास्क. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक. आप म्यूजिक देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मूवीज, यू आर ब्राउजिंग सम इंटरनेट, यू आर डूइंग सम रैंडम वर्क, बट यू आर नॉट डूइंग लॉट ऑफ मीनिंगफुल टास्क, राइट? आप कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी बिजनेस एप्लीकेशंस पे काम नहीं कर रहे हैं इन योर मोस्ट ऑफ योर होम बेस्ड कंप्यूटर्स. अपने होम बेस्ड कंप्यूटर्स के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर यू आर नॉट डूइंग एनी मीनिंगफुल बिजनेस टास्क. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट ब्राउजिंग इंटरनेट, लिसनिंग म्यूजिक, और सम स्मॉल वर्क इज गोइंग ऑन, राइट? सो दैट इज वाई दे सेड दैट बिकॉज डेडलॉक इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली. दैट इज वाई दे हैव फॉलोड एन ऑस्ट्रिच अप्रोच एंड दे हैव सेड कि लेट द डेडलॉक हैपन, एंड इफ द डेडलॉक हैपन लेट द यूजर रीस्टार्ट द सिस्टम. तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी द एंड यूजर टू रीस्टार्ट द सिस्टम. दिस इज वट दे वॉन्टेड टू से. ओके, सो एज आई सेड देर आर 3
phenomena. I mean, there are three methods of handling the deadlock. The first method is to ensure that the system never enters a deadlock state. System ko kabhi deadlock state mein enter na hone diya jaye. In that case, we have two methods, which is one is deadlock prevention, second is deadlock avoidance, right? Second approach is let the system be in the deadlock state and then recover the system from the deadlock state. And the third approach is the ostrich approach. Teesri jo approach hai wo ostrich approach hai. That means just ignore ki deadlock jaisa kuch hota bhi hai and we are not going to do anything with the deadlocks. Okay? So the first method is deadlock prevention. Ki deadlock ko hone se kaise roka jaye? How can you prevent the deadlock to occur? So basically, as I told you, there are four conditions for the deadlock to occur. I told you that for a deadlock to occur, these four conditions should happen simultaneously. Kaun kaun si? The mutual exclusion condition, hold and wait condition, circular wait condition, circular wait condition, and there's one more condition. So the four conditions should occur simultaneously for the deadlock to happen. Occur kaun si? Mutual exclusion condition, hold and wait condition, circular wait condition. The fourth condition is no preemption. Fourth condition आपकी no preemption की condition है. Okay? No preemption. Correct. So, they are saying कि in case of deadlock prevention, what we'll be doing is, we will try to disable any one of these four conditions. आप इसमें से कम एक condition को disable करने की कोशिश करेंगे. You will try and disable at least one of these four conditions. So for example, the first condition here is the mutual exclusion. Pehli condition aapke paas mutual exclusion hai. So what you will do is you will try to disable the mutual exclusion condition, but the problem is you cannot disable mutual exclusion. Why? Because if you will disable mutual exclusion, then the system might go to an unsafe state. I mean to say, aapke paas jo system hai wo ek inconsistent state pe ja sakta hai, inconsistent state. If you try to disable mutual exclusion, then system might go to an inconsistent state. यानी कि आपका जो data है, your data might get corrupted. I've given you some examples like एक account number है and there are multiple people who are working on the same account number. So you might be getting wrong values. Okay? So in case so whenever you have mutual exclusion, to violate this condition, all system resources must be such that they can be used in a shareable mode. अगर आप mutual exclusion को disable करना चाहते हैं तो यानी कि you have to make sure कि जितने भी system में resources हैं उसको आप shareable mode पे access कर पाए. और you can say shareable mode means read only mode. You should be able to access all the resources in a read only mode. Okay? So there are some resources which are always mutually exclusive. Therefore, this condition cannot be violated. आप mutual exclusion condition को violate नहीं कर सकते, because if you will violate the mutual exclusion condition, then the system will go to an inconsistent state and that will not be good for you. तो हम लोग mutual exclusion condition को violate नहीं कर सकते. Okay? Now the second condition here is your hold and wait. Second condition है कि आप अगर hold and wait को disable करने की कोशिश करें. Okay? So in this case, you are going to try and guarantee that every process is not going to hold some resource and it is not going to wait for some. The processes जो है वो किसी resource को hold नहीं करेगी और unnecessary resources के लिए wait नहीं करेगी. Okay, so generally what is a hold and wait condition? So we have the processes like process P1, P2, P3 and these processes are holding some resource. They are holding the resource R1, R2 as well as R3. Right, and they're waiting for some resources. वो कुछ resources का wait कर रहे. This is your hold and wait condition, right? Now the problem is, if some hold and wait condition is occurring, तो हमारा aim ये है to prevent the deadlock to happen. हम नहीं चाहते कि hold and wait condition occur हो. We do not want this hold and wait condition to occur. So how can you prevent? So there are many approaches for that. उसके लिए हमने काफी approaches को यहाँ पर approach I mean दिखाया है. द फर्स्ट अप्रोच हियर इज कि जो भी प्रोसेस है वो अ प्रोसेस हैज़ टू फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज इट रिक्वायर्स फॉर एग्जीक्यूशन. यानी कि प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगी. इफ़ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल देन ओनली द प्रोसेस विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. इफ़ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल देन द प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, सो वंस द प्रोसेस हैज़ एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज ओनली देन इट कैन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. This approach ensures that the process does not hold some resources and wait for some other resources. तो पहली approach क्या है कि किसी भी process
का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले प्रोसेस रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगी, जितने भी रिसोर्सेज प्रोसेसेस को चाहिए, अगर वो सभी प्रोसेस रिसोर्सेज अवेलेबल है तभी वो प्रोसेस जो है वो अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगी। अगर उसमें से कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगी। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट अप्रोच। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज़ दैट इट इज़ अ वेरी लेस एफिशिएंट अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये एक लेस एफिशिएंट अप्रोच है, ओके। सेकेंडली इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल बिकॉज आप किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किए बिना, विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड। आप सबसे बिना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किए बिना यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उस प्रोसेस को कितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज़ वाई दिस इज अ ड्रॉबैक एंड दिस अप्रोच इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। इस अप्रोच को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओके। Then there's a second approach. So second approach says a process is allowed to acquire the resource it desired at the current moment. After acquiring the resource, it starts its execution. Now before making any new request, it has to compulsorily release all the resources that are currently holding. Second approach क्या है कि processes को जो resources स्टार्ट होने के लिए चाहिए, जैसे ही वो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन जब भी प्रोसेस किसी नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगी तो नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट करने से पहले जितने भी रिसोर्सेज प्रोसेस ने होल्ड किए हैं वो सबको फ्री करें। देखो आई मीन टू से जैसे दिस इज़ अ प्रोसेस पी वन, दिस इज़ अ प्रोसेस पी टू। प्रोसेस पी टू नीडेड द रिसोर्स आर वन, प्रोसेस पी टू नीडेड द रिसोर्स आर टू। जैसे ही ये दोनों प्रोसेसोर्सेज जो है प्रोसेस पी वन को मिल गए तब प्रोसेस पी वन जो है अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकती है। नाउ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ़ दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ रिसोर्स आर थ्री, एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर इसको आर थ्री रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको रिक्वेस्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू फ्री दीज रिसोर्सेज। पहले ये सभी रिसोर्सेज को फ्री करेगी, उसके बाद वो तीनों रिसोर्सेज को एक साथ रिक्वेस्ट करेगी। अगर तीनों रिसोर्स एक साथ अवेलेबल है देन ओनली इट विल स्टार्ट, अदरवाइज इट विल नॉट स्टार्ट, ओके। सो एज आई सेड बिफोर मेकिंग एनी न्यू रिक्वेस्ट, कोई भी नई रिक्वेस्ट लेने से पहले, बिफोर मेकिंग एनी न्यू रिक्वेस्ट व्हाटसोएवर, इट हैज़ टू कंपल्सरी रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इज करेंटली होल्डिंग। जितनी भी रिसोर्सेज प्रोसेस होल्ड कर रही है इसको सभी रिसोर्सेज को कंपल्सरी रिलीज करना पड़ेगा। एंड दिस अप्रोच इज एफिशियंट एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेबल, ओके। देन वी हैव अ थर्ड अप्रोच। सो थर्ड अप्रोच इज अ टाइमर अप्रोच। तो अ टाइमर इज सेट आफ्टर द प्रोसेस एक्वायर्स एनी रिसोर्स, आफ्टर द टाइमर एक्सपायर्स द प्रोसेस हैज़ टू कंपल्सरी रिलीज द रिसोर्स। यानी कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर विल स्टार्ट एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एज सून एज द टाइमर एक्सपायर्स द प्रोसेस हैज़ टू रिलीज द रिसोर्स कंपल्सरी। जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर होगा तो उस केस में प्रोसेस को इस रिसोर्स को कंपल्सरी रिलीज करना पड़ेगा, ओके। सो एज वी हैव सीन देयर आर थ्री अप्रोचेज हियर। तो होल्ड एंड वेट कंडीशंस के लिए तीन अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच क्या है, द फर्स्ट अप्रोच इज दैट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ओनली इफ ऑल द रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेस इज अवेलेबल। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज आप किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किए बिना यू कैन नॉट टेल इन एडवांस व्हाट इज द रिसोर्सेज दैट द प्रोसेस इज रिक्वायरिंग एंड इट इज ऑल्सो लेस एफिशिएंट। नाउ देयर इज अ सेकंड अप्रोच हियर। सेकंड अप्रोच सेज दैट जो करंट मोमेंट पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस एट द करंट मोमेंट, प्लीज अलोकेट ऑल दोस रिसोर्सेज टू द प्रोसेस एंड द प्रोसेस कैन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। नाउ बिफोर द प्रोसेस विल मेक एनी न्यू रिक्वेस्ट, जब भी प्रोसेस को एक नए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिफोर इट कैन आस्क फॉर अ न्यू रिसोर्स, इट विल रिलीज ऑल द रिसोर्स जो करंटली इसने होल्ड किए हुए हैं। तो जो भी करंट रिसोर्स प्रोसेस ने होल्ड किया, इट विल रिलीज ऑल द रिसोर्स एंड देन ओनली इट कैन रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू रिसोर्स। उसके बाद ही एक नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकती है। सो दिस अप्रोच इज एफिशिएंट एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेबल। देन वी हैव अ थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच सेज मेंटेन अ टाइमर। आप एक टाइमर को मेंटेन करो, मेंटेन अ टाइमर सो दैट इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्स एनी रिसोर्स देन when the resource will be allocated this timer can be started and after some point of time as soon as the timer expires the process has to release the resource, okay। to aapke paas teen approaches thi, okay। so we have seen two methods here, one is we have seen about the mutual exclusion, hum mutual exclusion ke bare mein dekh chuke hain, and second one is the condition of hold and wait, hum hold and wait condition ke bare mein dekh chuke hain। now we have two more conditions here, the third condition is no preemption and the fourth condition is circular wait। how what to do about no preemption,
Okay, so if a process that is holding some resource requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released. अगर किसी भी प्रोसेस को, अगर कोई प्रोसेस एक कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है और ये कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रही है, तो जो नए रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रही है, तो वो जो नए रिसोर्सेज हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसेस ने जो करंट जितने भी रिसोर्सेज होल्ड किए हैं उसको सभी को रिलीज़ कर दो. ओके, सो द प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज कैन आर एडिड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रोसेस इज वेटिंग एंड द प्रोसेस कैन बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट रिगेन्स इट्स ओल्ड रिसोर्सेज एज वेल एज द न्यू रिसोर्सेज दैट आर दैट द प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग. तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी प्रोसेस एक नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगी, इट विल रिलीज ऑल द रिसोर्सेज जो इसने करंटली होल्ड किए हुए हैं. एंड देन जब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, यानी कि जो करंटली होल्ड किए हैं प्लस जो नए रिसोर्सेज, अगर सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देन ओनली द प्रोसेस कैन रीस्टार्ट. ओके, देन वी हैव अ सर्कुलर वेट कंडीशन. सर्कुलर वेट कंडीशन मीन्स जो प्रोसेसेस हैं दे आर होल्डिंग्स फॉर सम रिसोर्सेज. जैसे वी हैव अ प्रोसेस P1, वी हैव अ प्रोसेस P2, वी हैव अ प्रोसेस P3, वी हैव अ रिसोर्स R1, वी हैव अ रिसोर्स R2 एंड वी हैव अ रिसोर्स R3. प्रोसेस P1 इज होल्डिंग दीज रिसोर्सेज. इट दीज प्रोसेस आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर सम रिसोर्स. तो आपके पास एक सर्कुलर वेट कंडीशन यहाँ पर होकर हो रही है. सो हाउ कैन यू डिसेबल द सर्कुलर वेट? आप सर्कुलर वेट कंडीशन को कैसे डिसेबल कर सकते हैं? सो टू डिसेबल सर्कुलर वेट कंडीशन देर इज लॉट ऑफ मेथड्स विच आर अवेलेबल. पहला मेथड क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कुछ नंबरिंग दे दो. गिव सम नंबरिंग टू द रिसोर्सेज. नाउ अ प्रोसेस कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज इन आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही हो, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट कर सके. इट कैन नॉट रिक्वेस्ट इन बोथ द डायरेक्शन. जैसे कि हियर यू कैन सी दिस P1 प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि पहले R1 का रिक्वेस्ट किया, फिर R2 का. P2 प्रोसेस इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट दिस P3 प्रोसेस इज नाउ रिक्वेस्टिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि इसने R3 को होल्ड किया, नाउ इट इज आस्किंग फॉर R1. ये R1 को कर रही है. बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ सर्कुलर वेट. इसकी वजह से एक सर्कुलर वेट की कंडीशन ऑकर हो रही है. राइट, सो वट यू वॉन्ट इज whenever अ प्रोसेस इज गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स, आइदर इट कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, रीड द कंडीशन. अ नेचुरल नंबर इज असाइंड टू एवरी रिसोर्स. हमें हर एक रिसोर्स को एक नेचुरल नंबर असाइन कर देंगे. ईच प्रोसेस इज अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आइदर ओनली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और ओनली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिसोर्स नंबर. हर एक प्रोसेस जो है या तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्स नंबर को रिक्वेस्ट कर सके या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर सके, बट नॉट बोथ. इंक्रीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इज फॉलोड. इफ द प्रोसेस रिक्वायर्स अ लेसर नंबर रिसोर्स, देन इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज हैविंग अ लार्जर नंबर एंड वाइस वर्सा. अगर किसी भी प्रोसेस को एक लेसर नंबर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी इसने लार्जर रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, द प्रोसेस हैज़ टू रिलीज ऑल ऑफ देम. प्रोसेस उन सभी रिसोर्सेज को रिलीज करेगी, देन ओनली इट कैन रिक्वेस्ट फॉर द लेसर नंबर रिसोर्स. अदरवाइज ये लेसर नंबर रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगी. ओके, this approach is most practical approach and implementable. However, this approach may cause starvation but will never lead to a deadlock. इस approach से starvation occur हो सकता है. Why? Because it might happen that a process is never getting its resources. Processes has to wait for a very long time before it could get a lower number resource या फिर before it could get a higher number resource. तो ऐसा हो सकता है, the processes have to wait for a very long time, therefore there might be a starvation. तो इसी वजह से this approach is implementable. This approach will not lead to deadlock, but this approach might lead to starvation. Okay, now this is the code again. Right, so if you look at this approach here, अगर आप इस approach को देखेंगे, if you look at this approach here, so this approach is also matching with the approach of dining philosopher problem. ये dining philosopher problem से भी match करती है. This approach is also matching with the dining philosopher problem. Okay, so I hope that you have seen these four conditions and how can you match, I mean how can you go through about them. Okay, so they have also given this code for implementing jo aapko nahi karna hai. Okay, so that was deadlock prevention.
नाउ नेक्स्ट इज डेडलॉक अवॉइडेंस. डेडलॉक को होने से ही अवॉइड कर दिया जाए. सो टू अवॉइड डेडलॉक वी नीड अ प्रायर इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट यू कैन अवॉइड द डेडलॉक. ओके सो वट इज हाउ कैन यू अवॉइड द डेडलॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपके पास हर एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. सो द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर्स दैट ईच प्रोसेस डिक्लेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट इट मे नीड. हर एक प्रोसेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसको हर एक इंस्टेंस के कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. ओके एंड देन वी हैव अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. वो इंश्योर करेगा डायनेमिकली कि हमारे पास सर्कुलर वेट कंडीशन कभी भी ऑकर ना हो. That it will ensure that circular weight condition will never occur. Okay. So, हमारे पास जो resource allocation state है, it is defined by the number of available and allocated resource and the maximum demands of each of these process. Now, basically क्या है कि हम लोग जब deadlock avoidance करेंगे, in this case we'll try to see whether the system is in a safe state or whether the system is in a unsafe state. Let me explain you कि मैं what I'm trying to say is, देखो, in the state of the system we have three states. Pehla, the safe state. Second is the unsafe state. And third is the deadlock state. To jo deadlock state hai, wo ek unsafe state ka part hai. Now, we have to check ki deadlock avoidance ke andar, we have to check whether the system is in the safe state or not. Agar system safe state par nahi hai, yani ki system unsafe state par hai, then we have to bring the system back in the safe state. Hum system ko safe state par wapis lekar aayenge. ओके राइट. वी डू नॉट वॉन्ट द सिस्टम टू बी इन द अनसेफ स्टेट. हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट पर जाए. नाउ हाउ विल आई डू इट. मैं इसको कैसे करूँगा. ओके सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क फॉर एवरी प्रोसेस कि हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एंड हाउ मेनी रिसोर्सेज द प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग. सो लेट अस सपोज दैट वी हैव अ प्रोसेस P1, वी हैव अ प्रोसेस P2, वी हैव अ प्रोसेस P3, वी हैव अ प्रोसेस P4 एंड वी हैव सम रिसोर्सेज R1, R2 एंड R3. तो सबसे पहले मैं बोलूँगा हर एक प्रोसेस को प्लीज़ गिव योर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट. सो एवरी प्रोसेस विल टेल दैट आई नीड 3 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1, 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R2, 3 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R3, 4, 3, 1, 1, 1, 2 एंड 1, 2, 3. तो हर एक प्रोसेस सबसे पहले बताएगी कि उसको हर एक रिसोर्सेज के कितने इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी प्रोसेस हैज़ टू डिक्लेयर व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस इंस्टेंसेस. ओके एंड देन दिस प्रोसेस हैव टू डिक्लेयर हाउ मेनी रिसोर्सेज दे आर होल्डिंग. इसमें से कितने रिसोर्सेज प्रोसेस होल्ड कर रही है. सो विल बी हैविंग R1, R2 एंड R3 एंड वी हैव द प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4. देन दिस प्रोसेस विल टेल हाउ मेनी इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स दे आर करंटली होल्डिंग राइट. देन वी विल कैलकुलेट वट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिसोर्स. अब इनको और कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब इतनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसमें से इतने रिसोर्सेज ये ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं. अगर इतने ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं तो इनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट और कितनी होगी, हाउ मेनी रिसोर्सेज दैट दे रिक्वायर इन द फ्यूचर. अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे इफ़ द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज आर 5, 4 एंड 3, यानी कि 5 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स R1, 4 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स R2 एंड 3 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स R3. नाउ विद दीज रिसोर्सेज इज देयर डज देयर एग्जिस्ट ऑर्डर जिससे आप सभी की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. आई मीन टू से क्या ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जैसे सबसे पहले P2 को करो, P2 के बाद P1 को करो, P1 के बाद P4 को करो और P4 के बाद P3 को करो. सो डज दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट. यूजिंग दिस सीक्वेंस यू कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल द रिसोर्स. अगर ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, अदरवाइज द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट. अगर ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम जो है सेफ स्टेट पर है, अदरवाइज सिस्टम जो है अनसेफ स्टेट पर है. लेट मी रिपीट अगेन. सो वट एम ट्राइंग टू से हियर इज, मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इन केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस, सबसे पहले आप हर एक प्रोसेस को बोलेंगे प्लीज़ टेल योर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कि आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है. देन प्लीज़ टेल हाउ मेनी रिसोर्सेज यू आर करंटली होल्डिंग, आप कितने रिसोर्सेज को करंट होल्ड कर रहे हैं. फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वट इज़ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस प्रोसेस. आफ्टर नोइंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे क्या ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जिससे आप सभी की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. इफ़ देर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ ऑर्डर यूजिंग विच यू कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरी प्रोसेस देन वी कैन से द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. अगर ऐसा ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, इट
does not exist. In that means the system jo hai wo unsafe state pe hai and we do not want the system to be in unsafe state, then we will roll back the system to the previously known safe state. Us case mein hum system ko previously known safe state pe roll back karenge. Okay, so read it here. So the simplest and the most useful model required that each process declares the maximum number of resources of each type that it may need. सबसे पहले प्रोसेस को डिक्लेयर करना है कि उसको हर एक टाइप के कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, उसके बाद द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू एंश्योर दैट देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन. तो हमारे पास कभी भी सर्कुलर वेट कंडीशन ऑकर नहीं होने चाहिए. सो दिस डेडलॉक एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है और कितनी इनकी मैक्सिमम डिमांड है, कि हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, उसमें से कितने रिसोर्सेज उसको एलोकेटेड है और कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दीज थ्री थिंग्स. नाउ दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग विच अ डिसीजन इज मेड वेदर टू एंटरटेन अ न्यू रिक्वेस्ट और नॉट. तो अगर कोई भी प्रोसेस एक न्यू रिक्वेस्ट करती है तो हमें बताना है कि क्या हम इस न्यू रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं, क्या हम उस प्रोसेस की इस न्यू रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं. इफ़ यू कैन सेटिस्फाई दिस न्यू रिक्वेस्ट देन ओनली वी विल अलोकेट इट, अदरवाइज वी विल नॉट अलोकेट द न्यू रिक्वेस्ट. ओके, तो वी आर गोइंग टू चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट. अगर सिस्टम सेफ स्टेट पर नहीं है देन वी विल ट्राई टू ब्रिंग द सिस्टम बैक इन द सेम स्टेट. ओके, सो दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स एल्गोरिथम. इसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं. ओके, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हियर. सो आई कैन टेक एन एग्जाम्पल. लेट मी चेक इफ आई हैव अ गुड एग्जाम्पल हियर. चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप ओनली. ओके, आई शुड टेक एन एग्जाम्पल देन ओनली आई शुड यू नो. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सो इन दिस एग्जाम्पल दे आर सेइंग दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम. ये एक सिस्टम का एक स्नैपशॉट है. इन दिस स्नैपशॉट दे आर सेइंग दैट दिस इज द नंबर ऑफ प्रोसेस. वी हैव टोटल ऑफ फाइव प्रोसेस. आपके पास फाइव प्रोसेस है एंड दिस इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस प्रोसेस. हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है. जैसे प्रोसेस पी जीरो नीड 7 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप ए, 5 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप बी एंड 3 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप सी. तो हर एक प्रोसेस की हमने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया. देन वी हैव आइडेंटिफाइड कि इनको कितनी जो इंस्टेंसेज है रिसोर्सेज के वो अलोकेटेड है. हाउ मेनी इंस्टेंसेज आर अलोकेटेड, राइट. तो आपके पास कितने अलोकेटेड है कि प्रोसेस पी जीरो को 7 रिसोर्स टाइप ए चाहिए थे बट कितने अलोकेट है, 0. प्रोसेस पी जीरो को 5 रिसोर्स टाइप बी चाहिए थे बट कितने अलोकेट है, 1. प्रोसेस पी जीरो को 3 रिसोर्स टाइप सी चाहिए थे बट कितने अलोकेट है, 0. सो वी हैव टू चेक कि इनको कितने अलोकेशंस हैं. सो चेकआउट की टोटल कितने रिसोर्सेज अलोकेटेड हैं. टोटल आपके पास 2 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू टोटल 7 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप ए. फिर आपके पास बी के कितने अलोकेट है, 2 अलोकेटेड है और सी के कितने अलोकेट है, टोटल 5 इंस्टेंसेज अलोकेटेड हैं. और आपके पास टोटल इंस्टेंसेज है कितने, टोटल आपके पास 10 है ए के, 5 है बी के और 7 है सी के. सो ऑब्वियसली 10 इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप ए, 5 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप बी एंड 7 इंस्टेंसेज ऑफ द रिसोर्स टाइप सी एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम यू हैव अलोकेटेड 7, 2 and 5. तो अब आपके पास फ्री रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर फ्री, सो दैट इज 3, 3 and 2. तो आपके पास इतने रिसोर्सेज जो है वो इस समय पर फ्री हैं, इतने रिसोर्सेज आपके पास इस समय पर अवेलेबल हैं. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, सबसे पहले आपको बताया कि टोटल कितने इंस्टेंस आपके, कितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं और आपके पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है. अब आपको पता है कि कितने अवेलेबल हैं. अब ये जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं, अब आप चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जिससे सभी की नीड को सेटिस्फाई कर सके. ओके, तो अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर यू हैव टू चेक देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट. आपको उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है. यू हैव टू टेल देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, राइट. तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, फ्यूचर रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम माइनस अलोकेशन. मैक्सिमम में से अलोकेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट अ फ्यूचर रिक्वायरमेंट. जैसे पी जीरो नीड हाउ मेनी रिसोर्सेज इन द फ्यूचर, इट नीड्स 7, 4 and 3. कैसे किया, मैक्सिमम माइनस अलोकेशन. इन द सेम वे पी वन नीड्स हाउ मेनी रिसोर्सेज इन द फ्यूचर, दैट इज 1, 2, 2. पी टू नीड्स हाउ मेनी रिसोर्सेज इन द फ्यूचर, दैट इज़
6, 0 and 0. Then P3 needs how many instances in the future? इसको कितने की ज़रूरत है? 0, 1, 1. P4 needs how many instances in the future? कितने की ज़रूरत है? 4, 3 and 1. इतने future requirement है और आपके पास available कितने हैं? 3, 3, 2. So what you can do here is, सबसे पहले with these 3, 3, 2 resources, you can allocate these 3, 3, 2 resources to the process P3. सबसे पहले आप process P3 को करेंगे. When you will do process P3, जब आप process P3 को execute करेंगे, during that, after the completion of the process P3, इतने resources आपके पास free हो जाएंगे. पहले आपके पास 3, 3, 2 free थे, अब इतने resources और free हो गए, यानी कि अब आपके पास 5, 4, 3, इतने resources अब आपके पास available हैं. Now with these resource, I can fulfill the request of the process P1. अब हम यहाँ से process P1 की request को fulfill कर सकते हैं. So when you will fulfill the request of this process P1, then after some point of time, इतने resources और free हो जाएंगे. पहले कितने free थे? 5, 4, 3. अब कितने और free हो जाएंगे आपके पास? 2, 0, 0, which is 7, 4, 3. अब आपके पास इतने resources available हैं. Now with these resources, you can fulfill the request of the process P0. आप यहाँ से P0 प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं. देन यू कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट. यस, P1 कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड फर्स्ट. आफ्टर दिस यू कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस P2. आफ्टर दिस यू कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस P4. राइट, तो आप इस ऑर्डर में इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, इफ़ सच काइंड ऑफ ऑर्डर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जिससे आप सभी की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, देन यू कैन से द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट पर है. If such kind of order exists using which you can fulfill the request of each of these process, then we can say the system is in safe state. If such kind of order does not exist, then the system is not in safe state. उस केस में सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट पर नहीं है. Okay, this is what we are going to do here. So to do this, let us look at all the things step by step. हम सभी चीज़ों को step by step check करेंगे. Okay. So step by step कैसे check करना है, देखो. Let's look at it here. तो सबसे पहले you have to check कि safe state का मतलब क्या है. What do you mean by safe state? Safe state का मतलब क्या है? If there exists a sequence, ऐसा कोई sequence या फिर order exist करता है जिससे आप सभी की need को satisfy कर सकें, then we can say the system is in safe state. Okay? Right? Then second is basic facts. अगर system safe state पर है, that means there is no deadlock. इसका मतलब है कोई भी deadlock occur नहीं होगा. But if the system is in unsafe state, then there is a possibility of deadlock. तो deadlock होने की possibility है. And using this avoidance, we try to ensure that system never enters a safe unsafe state. तो हम कोशिश करेंगे system जो है वो कभी भी unsafe state में enter ना करें. Okay? Then these avoidance algorithm uses अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस टाइप है तो यूज़ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है हर एक रिसोर्स के, देन यू कैन यूज़ अ बैंकर्स एल्गोरिथम. अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस टाइप है, जस्ट यूज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड चेक कि कोई भी साइकिल नहीं बन रही है. अगर कोई साइकिल नहीं बन रही, दैट मीन्स द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. बट अगर आपके पास रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस है, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस के केस में आई हैव टू यूज़ बैंकर्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द सीक्वेंस. तो हमें सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो दिस इज़ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. तो यहाँ पर वी आर जस्ट चेकिंग कि आपके पास कोई साइकिल तो नहीं बन रही है एंड दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट. ओके, and if you have multiple instances, then you are going to do the bankers algorithm. So in the bankers algorithm, you have four arrays. The first array is the resources which are available. The second array is the maximum requirement for each of these process. The third array is what is the allocation, yani ki kitne resources allocate kiye gaye hain, and the fourth array is what is their future need. Okay, सो फॉर एवरी प्रोसेस यू आर गोइंग टू चेक, मतलब टोटल आप तो चेक करेंगे सिस्टम के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, एंड देन हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अलोकेटेड एंड हाउ मेनी इज़ देयर फ्यूचर नीड. उनकी फ्यूचर नीड्स कितनी है, कितने अलोकेटेड हैं और कितने रिसोर्सेज की फ्यूचर नीड्स हैं. ओके, सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल हियर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज आई सेड, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव द
allocation, you have the maximum, you have the available. Now you are going to calculate their need. अब आप अपनी इनकी needs को calculate करेंगे. How will you calculate the need? So you can see, you can calculate the need by doing maximum minus allocation. जो maximum requirement थी उसमें से अगर आप allocation को subtract कर देंगे, then you can calculate their need. तो आपको सबकी need मिल गई. After calculating their need, you have to check कि किस क्या order satisfy करता है. यानी कि सबसे पहले आप P1 को करो, उसके बाद आप P3 को करो, उसके बाद आप P4 को execute करो, उसके बाद आप P2 को execute करो, उसके बाद आप P0 को execute करो. If such kind of system exist, or you can say if such kind of sequence exist, अगर ऐसा कोई sequence exist करता है जिससे आप सभी की need को satisfy कर सकते हैं, then we can say the system is in safe state. अगर ऐसा कोई सिस्टम सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बोलेंगे सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट पर नहीं है. ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल. तो इन वी आर गोइंग टू चेक दिस एग्जांपल इन द इवनिंग. हम इस एग्जांपल को इवनिंग में चेक करेंगे. नाउ इन दिस एग्जांपल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आपके पास हर एक प्रोसेस को कितनी अलोकेशन है, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू एवरी प्रोसेस, what is the need of these processes and what is the number of resources which are available, kitne resources available hai. Now they are saying jo system hai wo safe state par hai, the system is in safe state. yani ki sabse pehle aap p1 process ko execute karo, fir aap p3 ko execute karo, fir aap p4 ko execute karo, fir aap p0 ko execute karo, fir aap p2 ko execute karo. now they are saying ki jo p4 process ne usne additional itne resources ki request ki hai. now if we grant this request, क्या सिस्टम तब भी हमारा सेफ स्टेट पर रहेगा? इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट, देन रोल बैक टू द प्रीवियस नोन सेफ स्टेट. बट इफ़ द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट, अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट पर नहीं है, इन दैट केस यू विल ट्राई टू रोल बैक. अगर सिस्टम सेफ स्टेट पर है, देन दिस रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड. अगर कोई प्रोसेस इतने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करती हैं और इतने रिसोर्स की रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद हम चेक करेंगे क्या सिस्टम सेफ स्टेट पर है. अगर सेफ स्टेट पर है तो रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी जाएगी. अगर सिस्टम सेफ स्टेट पर नहीं है तो हम रोल बैक करेंगे. देन अगेन दे आर चेकिंग कि आफ्टर दिस P0 प्रोसेस ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर दीज मेनी रिसोर्सेज, क्या सिस्टम हमारा सेफ स्टेट पर है या फिर नहीं है. दिस इज समथिंग दैट वी विल चेक इन द इवनिंग सेशन. इसको हम इवनिंग सेशन के अंदर चेक करेंगे. We'll check this in the evening session. Okay. So as of now, let us just do the revision. Pura ek revision kar lete hain whatever we have covered so far. So first of all, we have seen ki deadlock kya hota hai. What are deadlock? Deadlocks are infinite waiting and starvation is a long waiting. फिर हमने चेक किया कि डेडलॉक में सिस्टम मॉडल, आई मीन एक हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में डिस्कस किया. सो इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आई टोल्ड यू कि हम हर एक प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक रिसोर्स को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ यू हैव मल्टीपल इंस्टेंसेज, देन दोज इंस्टेंसेज आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉट्स इन द रेक्टेंगल. फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी डेडलॉक को ऑकर होने के लिए ये चारों कंडीशन एक साथ ऑकर होनी चाहिए. फॉर एनी डेडलॉक टू हैपन, ऑल दिस फोर कंडीशंस शुड ऑकर साइमल्टेनियसली. कौन कौन सी फोर कंडीशंस है? फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड होल्ड एंड वेट, थर्ड नो प्रीएम्पशन, फोर्थ सर्कुलर वेट. अगर ये चारों कंडीशन ऑकर हो रही हैं देन डेडलॉक विल हैपन. अगर इसमें से किसी एक कंडीशन को भी आप डिसेबल कर देंगे देन डेडलॉक विल नॉट ऑकर. तो डेडलॉक को रोकने के लिए इन चारों में से अगर एक कंडीशन को भी आप डिसेबल करेंगे तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. फिर उसके बाद मैंने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताया. आई टोल्ड यू कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है. सो इन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. नाउ इन दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देयर इज नो डेडलॉक, क्योंकि यहाँ पर साइकिल जो ऑकर हो रही है, साइकिल नहीं ऑकर हो रही. वाई? बिकॉज जो P3 प्रोसेस फिनिश होगी तो रिसोर्सेज बाकी लोगों को एलोकेट कर दिए जाएंगे. नाउ दिस इज अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विच इज हैविंग अ साइकिल प्लस इट इज ऑल्सो हैविंग अ डेडलॉक. इस केस में डेडलॉक भी ऑकर हो रहा है. सो दिस इज अ रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ विच इज हैविंग अ साइकिल, लेकिन डेडलॉक ऑकर नहीं हो रहा. बट हियर यू कैन मेक श्योर कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस के हैं. अगर रिसोर्सेज मल्टीपल इंस्टेंस टाइप के होते हैं तो जो साइकिल है वो एक नेसेसरी कंडीशन है बट एक सफिशेंट कंडीशन नहीं है. लेकिन अगर रिसोर्सेज सभी सिंगल इंस्टेंस टाइप के हैं तो जो साइकिल है वो एक सफिशेंट कंडीशन भी है और नेसेसरी कंडीशन भी है डेडलॉक ऑकर होने के. ओके, फिर आपको बताया था दिस इज अ ग्राफ वेयर देर इज अ साइकिल बट देर इज़ नो डेडलॉक. तो हमने यहाँ पर फिर कुछ चीज़ों को चेक किया था. वी हैव सीन दिस टू स्टेटमेंट्स
कि इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन साइकिल एग्जिस्ट इज़ अ डेडलॉक, लेकिन अगर आपके पास सेवरल इंस्टेंसेज हैं तो साइकिल होने से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक बट इट इज़ नॉट गारंटी टू हैव अ डेडलॉक. तो प्रेजेंस ऑफ अ साइकिल इज़ अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक इफ़ रिसोर्सेज आर ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस टाइप. अगर रिसोर्सेज मल्टीपल इंस्टेंस टाइप के हैं तो उस केस में साइकिल होना एक नेसेसरी कंडीशन है बट एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. दिस इज़ वी हैव कवर्ड. उसके बाद हमने कवर किया कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस कि आपके पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं तो मैक्सिमम कितने रिसोर्स हो सकते हैं, कितने आपके पास प्रोसेस हो सकते हैं ताकि डेडलॉक ऑकर ना हो. फिर मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक हैंडल करने के लिए आपके पास चार तरीके हैं. द फर्स्ट इज़ नेवर लेट द सिस्टम गेट इनटू अ डेडलॉक स्टेट. तो उसके लिए आपके पास एक डेडलॉक प्रिवेंशन है, दूसरा डेडलॉक अवॉइडेंस है. डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे करेंगे? टू प्रिवेंट द डेडलॉक यू आर गोइंग टू डिसेबल एनी वन ऑफ द फोर कंडीशंस. जो भी आपके पास चार कंडीशन है उसमें से किसी एक कंडीशन को डिसेबल करने की कोशिश करेंगे. डेडलॉक अवॉइडेंस मींस हम लोग चेक करेंगे सिस्टम सेफ स्टेट पर है या नहीं है. डेडलॉक अवॉइडेंस मींस बैंकर्स एल्गोरिथम. तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम. हम चेक करेंगे कि सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट पर रहना चाहिए. और डेडलॉक प्रिवेंशन मींस जो भी चार कंडीशंस हैं यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड योर नो प्रीएम्पशन, हम इनमें से किसी एक कंडीशन को डिसेबल करने की कोशिश करेंगे. अगर इसमें से किसी भी एक कंडीशन को हम डिसेबल कर देते हैं तो सिस्टम में डेडलॉक होकर नहीं होगा. ओके, देन थर्ड अप्रोच इज़ कि हम लोग सिस्टम को डेडलॉक में जाने देंगे, उसके बाद हम सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर करेंगे. एंड द फोर्थ अप्रोच इज़ योर ऑस्ट्रिच अप्रोच. ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड जो कि ये बोलता है कि डेडलॉक होकर नहीं होगा, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दैट कंडीशन. Then in the deadlock prevention we have seen these four conditions. The first is mutual exclusion. फिर मैंने आपको बताया था कि mutual exclusion को disable करना possible नहीं है because then the data will result in the system will be in an inconsistent state. So we cannot disable mutual exclusion. फिर हमने बताया था hold and wait को disable करना possible है, लेकिन कैसे disable करेंगे कि हर एक process जब भी किसी resource की request करेगी तो उसको अपन execute होने से पहले ही बताना पड़ेगा कि कौन कौन से resources की requirement है. अगर वो सभी रिसोर्स अवेलेबल है तभी हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. द सेकेंड मेथड इज़ कि जितने भी रिसोर्सेज करंट मोमेंट पे अवेलेबल है सबको दे दो, जितने भी उसको करंट रिक्वायरमेंट है तो प्रोसेस को स्टार्ट कर दो एग्जीक्यूशन के लिए. लेकिन अगर प्रोसेस को एक नए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको सबसे पहले जितने भी रिसोर्सेज प्रोसेस ने होल्ड किए हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा, देन ओनली कैन रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू रिसोर्स. और थर्ड अप्रोच ये थी कि आपको एक टाइमर सेट करना है. जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करेगी इट विल स्टार्ट अ टाइमर, और जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा हमें उस रिसोर्स को फ्री करना पड़ेगा. देन नो प्रीएम्पशन को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं? तो हमने बताया था कि जो नो प्रीएम्पशन का मतलब यह है कि तो जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो उसको वो जितने भी करंट रिसोर्स ने होल्ड किए हैं उसको इमीडिएटली रिलीज करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू रिसोर्स. उसके बाद ही वो एक नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकती है. ओके, फिर हमारे पास सर्कुलर वेट था. सर्कुलर वेट के लिए आई टोल्ड यू कंडीशन कि आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि हर एक रिसोर्स को नंबर कर दो, हर एक रिसोर्स को एक नंबरिंग दे दो. नाउ रिसोर्स प्रोसेसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आइदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बट नॉट बोथ. जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो या तो वो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करेगी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन दोनों से नहीं करेगी. तो उससे हम सर्कुलर वेट कंडीशन को डिसेबल कर सकते हैं. राइट, सो देन वी हैव सीन दिस डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में वी हैव सीन दिस एग्जांपल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम. हमने बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया आज. तो बैंकर्स एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे? सो इन अ बैंकर्स एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट. सेफ स्टेट का मतलब है कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिससे आप सभी प्रोसेस की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिससे आप सभी प्रोसेस की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट पर है. लेकिन ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम अनसेफ स्टेट पर है. तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है बैंकर्स एल्गोरिथम का, वी आर गोइंग टू लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई होप दिस मच इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू. सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम. Now in this example we have seen that this system is currently in a safe state. ये जो system है ये अभी currently safe state के अंदर है. Right? We have seen this in the morning session, in the morning class. So I'll take an example here कि इसको कैसे आप prove कर सकते हैं that the system is in safe state.
सो दिस इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर यू कैन सी वी हैव थ्री रिसोर्सेज. वी हैव रिसोर्स टाइप ए, वी हैव अ रिसोर्स टाइप बी, एंड वी हैव अ रिसोर्स टाइप सी. सो वी हैव 10 इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप ए, वी हैव 5 इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप बी, एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 7 इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप सी. तो यहाँ पर आउट ऑफ ऑल दीज इंस्टेंसेज वी हैव ऑलरेडी अलोकेटेड 7, 2, and 5 इंस्टेंसेज ऑफ दीज रिसोर्सेज. दीज मेन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी अलोकेटेड. ये ऑलरेडी अलोकेटेड है. एंड हाउ कैन यू से दैट दीज मेन आर ऑलरेडी अलोकेटेड? यू कैन जस्ट ऐड दीज वैल्यूज. सो इफ यू ऐड दिस एंटायर रो, सो 2 + 3 + 2 इज गोइंग टू बी 7. सो यू कैन फाइंड ये जो कंप्लीट रो है, दिस सम इज गोइंग टू बी 7. If you add this entire row, you will find that this sum is going to be 2. If you add this entire row, you will find that this sum is going to be 5. So, ye wo resources hain which are already allocated. These are already allocated. Okay. And now we also have the resources which are still available. Kitne resources aise hain jo abhi bhi available hain? So, if you subtract 10 minus 7, it is going to be 3. If you subtract 5 minus 2, it is going to be 3. If you subtract 7 minus 5, it is going to be 2. These many resources are still available. So now we have to identify what is the future need of each of these process, right? So this is for resource type A, this is for resource type B, and this is for resource type C. So we have to future need. And how will you identify the future need? Future need is basically maximum minus allocation. यानी कि सभी प्रोसेसेस की मैक्सिमम नीड क्या है, उसमें से कितने रिसोर्सेज इनको अलोकेट हो चुके हैं. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू देन यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द फ्यूचर नीड. सो फॉर एग्जांपल फॉर द प्रोसेस पी जीरो द मैक्सिमम रिसोर्सेज आर 753. सो 7 - 0 इज गोइंग टू बी 7, 5 - 1 इज गोइंग टू बी 4, 3 - 0 इज गोइंग टू बी 3. सो दिस इज देयर फ्यूचर नीड. इन द सेम वे फॉर द प्रोसेस पी वन प्रोसेस के लिए the future need is going to be 1, 2, and 2. For the process P2, the future need is going to be 6, 0, and 0. For the process P3, the future need is going to be 0, 1, 1. And for the process P4, the future need is going to be 4, 3, and 1. So now we know what is the future need of each of these processes. अब हमारे पास पता है हमें what is the number of resources that are available and what is the future need of each of these processes. इन processes की future need क्या रहेगी. Okay. Now you can try and identify that does there exist a sequence using which you can satisfy the need of all of these process. तो आपके पास इतने resources available है and this is their future need. Now, by looking at these future needs, you can see क्या beginning में you can either fulfill the need of the process P1 or you can fulfill the need of the process P3. या तो आप process P1 की need को भी satisfy कर सकते हैं and you can also satisfy the need of the process P3. आप दोनों में से किसी की भी need को satisfy कर सकते हैं, right? So that let us take an example. Let us say that I'm going to do the process P1 in the first. In the beginning हम process P1 को करेंगे. So after some point of time, this process P1 will finish its task and the process P1 will release these many resources. जो resources इसने already इसके पास allocated थे, तो ये उतने resources को free कर देगा. So earlier आपके पास 3, 3, 2 free थे and after releasing these many resources, we'll be having total of 5, 3, 2. इतने resources अब आपके पास available हो जाएंगे. When the process P1 will be finished, these many resources will be available. After this, I can satisfy the need of the process P3. उसके बाद मैं process P3 की need को satisfy कर सकता हूँ. So if you will satisfy the need of the process P3, then these many resources will get free. So I was having 5, 3, 2 resources and these many extra resources will get free. Therefore, I will be having 5, 4, 3. These many resources which are still available. इतने resources हो जाएंगे जो अब available हो जाएंगे process P3 के finish होने के बाद. Now using these resources, I can satisfy the need of the process P4. अब मैं यहाँ से process P4 की need satisfy कर सकता हूँ. You can clearly see, I can satisfy the need of the any one of the process. मैं किसी की भी need को satisfy कर सकता हूँ. But I am satisfying the need of the process P4 here. So if you'll satisfy the need of the process P4, then these many resources will get free. So I was having 7, 4, 3, then 0, 0, 2, these many resources will get free. Then I will be having resources which is 7, 4, 5. अब आपके पास इतने free resources available हैं. After this, I can satisfy the need of the process P2.
अब मैं यहाँ से प्रोसेस पी टू की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. सो आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस नीड दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. सो आई वॉज हैविंग 745, देन 302 रिसोर्सेज विल गेट फ्री, देन आई विल बी हैविंग टोटल 7, 4, and 10, 4, and 7, दीज मेनी फ्री रिसोर्सेज विल बी देयर. And after this, I can satisfy the need of the process P0. And after satisfying the need of the process P0, these many more extra resources will get free. So I will be having a total of 7, 5, 10, 5, and 7, these many free resources. So you can see, after following this entire order, तो जितने आपके पास ओरिजिनल रिसोर्स अवेलेबल थे, ओरिजिनली इतने आपके पास अवेलेबल थे, आपके पास एग्जैक्टली उतने ही रिसोर्सेज यहाँ पर फ्री हो जाएंगे. Those many resources will get free. Now this is how you can apply Banker's algorithm to check whether the system is in safe state or not. इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट पर है या फिर नहीं है. सो हियर यू कैन सी इन दिस केस दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्टेड, सो वी कैन से दैट इट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ Banker's algorithm, therefore the system is in safe state. Now this is an example which is extremely important. It is very very important example. Why I'm saying this example is very very important? Because is in examination in the past they have asked question based on this. और UGC NET के अंदर और GATE के अंदर, GATE के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसके इस एग्जाम्पल के बेसिस पर, बट इन UGC NET देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट दे विल आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के बेसिस पे वो एक क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूचर में, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस फॉर दैट थिंग. Okay, so you should look at this example very carefully. So what they are trying to say here is ki aapke paas ek system hai and the system is currently is it is already in the safe state. System aapke paas already safe state ke andar hai, because there exist a sequence using which you can satisfy the need of each of these resources. Aap is sequence se in sabhi ki need ko satisfy kar sakte hain. Now they are asking that this process P0 placed an extra request of allocating these many resources. Now, will this request be granted? If this request is granted, then the process P0 also placed an extra request. So, will this request be granted or not? So, ye hame check karna hai. So, but first of all, as a rule, so let us do one thing. Ki aapke paas, So, let us first of all do this that first of all we will check about how many whether the system is in safe state or not. Kya ye system already safe state ke andar hai ya fir nahi hai, whether the system is in safe state or not, we will check that. Okay, so here in this case they are saying this is the current snapshot of the system, and currently it is saying that currently the system is in safe state because there exists a sequence like this. सो लेट अस सी कि ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता. सो वी हैव दीज मेनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल. नाउ विद दीज रिसोर्सेज आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P0 सबसे आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P1. तो मैं सबसे पहले प्रोसेस P1 को करूँगा. इफ आई विल डू द प्रोसेस P1 देन दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. तो आपके पास ऑलरेडी इतने अवेलेबल थे और इतने अब आपके पास और फ्री हो गए. सो नाउ टोटल यू हैव 5, 3, and 2 दीज मेनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल. अब आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं. नाउ विद दीज रिसोर्स आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3. अब मैं यहाँ से प्रोसेस P3 की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. इफ आई विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3 देन आई विल गेट दीज मेनी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज. तो आपके पास कितने रिसोर्सेज अब फ्री हो जाएंगे? 2, 1, 1 दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. Therefore, you'll be having a total of 7, 4, and 3. These many resources will be available. After this, I can satisfy the need of the process P4. I mean, P4 process ki need ko satisfy kar sakta hoon. So after satisfying the need of the process P4, these many resources will get free, which is going to be 7, 4, 3 + 0, 0, 2. Now you'll be having 7, 4, and 5. These many resources will be available. Ab aapke paas itne resources available hain. Now with this, I can satisfy the need of the process P0. अब मैं यहाँ से process P0 की need को satisfy कर सकता हूँ. Therefore, these many resources will get free. So 7, 4, 5 + 0, 1, 0, it is going to be 7, 5, 5. इतने resources अब आपके पास free हो जाएंगे. From this, I can satisfy the need of the process P2. So if you will satisfy the need of the process P2, then how many resources will get free? 302 resources will get free. So I'll be having a total of
10, 5 and 7 इतने रिसोर्सेज अब आपके पास फ्री हो जाएंगे एंड येस देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस हेंस आई कैन से द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट के अंदर है, इज इन सेफ स्टेट. अब जो सिस्टम है वो हमारे पास सेफ स्टेट के अंदर है. ओके, नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. अब इस पॉइंट के बाद आपको बहुत केयरफुली देखना है. लुक एट इट वेरी 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 केयरफुली. ओके, सो नाउ दे आर सेइंग कैन द रिक्वेस्ट फॉर 330 बाय P4 बी ग्रांटेड. यानी कि P4 ने इतनी एडिशनल रिक्वेस्ट को प्लेस किया है, सो कैन दिस रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड. नाउ यू हैव टू लुक एट इट केयरफुली. व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू लुक एट इट केयरफुली, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज वी गेट कन्फ्यूज्ड कि सर अब हमें इसको ऐड कहाँ पर करना है. ये जो न्यू रिक्वेस्ट आई है आपके पास, तो इसको हमें ऐड कहाँ पर करना है. ओके, तो इसको कहाँ पर ऐड करेंगे. सो हाउ वेयर वी विल बी एडिंग, वी विल बी एडिंग दिस वैल्यू इन द अलोकेशन टेबल. हम इसको यहाँ पर अलोकेशन टेबल के अंदर ऐड करेंगे. सो विल बी एडिंग दीज मेनी रिक्वेस्ट. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये जो रिक्वेस्ट है ये परमिट हो जाती है. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, वी विल बी चेकिंग अगर ये रिक्वेस्ट परमिट हो जाती है तो रिक्वेस्ट परमिट होने के बाद क्या सिस्टम सेफ स्टेट पर है या फिर नहीं है. अगर सिस्टम सेफ स्टेट पर नहीं है तो हम इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे, देन वी विल रिजेक्ट दिस रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल P4 इज रिक्वेस्टिंग 330 रिसोर्सेज, सो दिस 330 रिसोर्सेज विल बी एडेड इन द अलोकेशन. इसको हम अलोकेशन के अंदर ऐड करेंगे, सो इन द अलोकेशन विल बी गेटिंग 3, 3 and 2. यानी कि अलोकेशन में हम 3, 3, 2 रिसोर्सेज को दे देंगे. इतना क्लियर आप सभी के साथ, आई होप इट इज क्लियर. सो इफ दिस इज द अलोकेशन देन देयर नीड विल चेंज. तो नीड आपकी चेंज हो जाएगी, सो नीड विल चेंज टू 101. अब 101 जो है वो आपकी नीड हो जाएगी. नाउ वी हैव टू चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इन दिस कंडीशन और नॉट. क्या जो सिस्टम है वो इस कंडीशन में सेफ स्टेट पर होगा या फिर नहीं होगा. इज इट क्लियर विद एवरीवन? क्या इतना सभी के साथ क्लियर है? सो ऑब्वियसली इफ दिस इज दिस रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड देन अगेन देर विल बी सम चेंजेस इन द अवेलेबल रिसोर्सेज. तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां पर भी चेंजेस आएंगे. सो बिकॉज वी हैव अलोकेटेड 332, राइट? सो अब देखो यहां पर क्या है, 330 जो है, इफ यू ट्राई टू परफॉर्म दिस अलोकेशन देन यू विल सी कि आपके पास इतने रिसोर्सेज तो अवेलेबल ही नहीं है. यू डू नॉट इवन हैव दीज मेनी रिसोर्सेज. नाउ बिकॉज यू डू नॉट इवन हैव दीज मेनी रिसोर्सेज देयरफॉर दिस रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड. ये जो रिक्वेस्ट है आपकी ये ग्रांट नहीं हो सकती, बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर रिक्वेस्टिंग फॉर दीज मेनी रिसोर्सेज बट वी ऑलरेडी डू नॉट हैव दीज मेनी रिसोर्सेज इन द सिस्टम देयरफॉर दिस रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड. तो ये जो रिक्वेस्ट है ये अब ग्रांट नहीं की जा सकती. क्लियर? फाइन. सो नाउ वी विल चेक अगर ये रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जा सकती कैन दिस सेकेंड रिक्वेस्ट भी ग्रांटेड. क्या ये सेकेंड रिक्वेस्ट ग्रांट की जा सकती है? सो व्हाट डज सेकेंड रिक्वेस्ट सेज? सेकेंड रिक्वेस्ट सेज P0 प्रोसेस इज आस्किंग फॉर 2 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्स टाइप बी. दैट मीन्स हियर दिस विल बिकम 3 एंड हियर दिस विल बिकम 1, राइट? तो ये आपके पास सेकेंड रिक्वेस्ट है. सो कैन दिस सेकेंड रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड? सो यू हैव टू गिव दिस अलोकेशन एंड नाउ यू हैव टू चेक क्या सिस्टम इसके बाद सेफ स्टेट पर होगा या फिर नहीं होगा. सो अगेन यू कैन सी क्या यहाँ पर कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है. यू विल सी येस मे बी देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दीज मेनी रिसोर्सेज आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3. सबसे पहले हम प्रोसेस P3 को नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो इफ यू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3 देन दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. सो इट विल बी बिकम 421. दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. फ्रॉम दिस आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P1. इफ यू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P1 देन दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री. So which is 723. From this I can satisfy the need of the process P2. अब यहाँ से मैं P2 की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द प्रोसेस P2 दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री विच इज 10 to 5. एंड देन आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस विच इज आई थिंक आई कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ एनी अदर प्रोसेस आफ्टर दिस. अब आई कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P4 एज वेल एज आई कैन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस. सॉरी दिस इज गोइंग टू बी 2, राइट? आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस
P0. अब हम P0 की नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे बिकॉज वी हैव अलोकेटेड दीज मेनी रिसोर्सेज, तो उसकी नीड में से भी सब्ट्रैक्ट होगा, राइट? सो आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रोसेस P0. सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द प्रोसेस P0, दीज मेनी रिसोर्सेज विल गेट फ्री, राइट? सो विच इज 10, 5 एंड 5. And then I can satisfy the need of the process P0. After satisfying the need of the process P4, these many resources will get free. Therefore, you can see the second request, this request can be granted, but this request cannot be granted. ये जो request है, ये grant नहीं की जा सकती. The first request cannot be granted. But again, I believe this example was not such a good example. I can take a better example based on this. मैं ये जो example है यहाँ पर, this is a much, much better example. ये जो example है यहाँ पर, this is a much better example. So you should look at it very carefully. इस example पर बहुत carefully देखिएगा. Okay? So let us read this question here. What they are saying? An operating system uses banker's algorithm for deadlock avoidance. हम banker's algorithm को use करें deadlock avoidance के लिए. When managing the allocation of three resource types X, Y, and Z to three processes P0, P1, and P2. The table given below presents the current system state. Here the allocation matrix shows the current number of resources of each type allocated to each process, and the max matrix shows the maximum number of resources of each type required by each process during its execution. Now, there are three units of type X, two units of type Y, and two units of type Z. आपके पास टाइप एक्स की थ्री यूनिट्स हैं, यू हैव टू यूनिट्स ऑफ टाइप वाई एंड यू हैव टू यूनिट्स ऑफ टाइप जेड विच आर स्टिल अवेलेबल. नाउ द सिस्टम इज करंटली इन द सेफ स्टेट. करंटली जो आपका सिस्टम है वो सेफ स्टेट के अंदर है. कंसिडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन द करंट स्टेट. तो करंटली आपका सिस्टम सेफ स्टेट पर है. नाउ दे आर placing two independent requests. सबसे पहले आपके पास request one place होता है and then they are placing the request two. Then which of the following is true? इसमें से कौन सी condition true है? So the request one is saying P0 request for 0 unit of X, 0 unit of Y and 2 unit of Z. जो P0 process है वो 0 X की 0 units के लिए request करती है, Y की 0 units के लिए request करती है और Z की 2 units के लिए request करती है. So whether this request P0 can be allocated or not. क्या request जो 0 है वो grant होती है या नहीं होती. So let us assume that request 0 is granted. Assume that request 1 is granted. अगर request 1 granted हो जाती है then whether the system is in safe state or not. क्या उस case में system हमारा safe state पर होगा या नहीं होगा. So what is the request 1? Request 1 says 0 unit of X, 0 unit of Y and 2 units of Z. Z के 2 units. और किसने request किया ये? Process P0 ने. So how we are going to do it? We are going to go to this allocation table. आप इस allocation table पर जाएंगे and then you are going to satisfy the request. आप यहाँ पर 2 देंगे. यानि कि you are going to give 2 resources to process P0 of type Z. और इसके बाद what you will do? You will, subtract this value from the available resource. आपने इस value को available resources की list से भी subtract करना है. So you will subtract this value from the available resources. And now you can calculate what is the need, right? So look at it here. तो यहाँ पर originally आपके पास value 1 थी. So this value will become 3. ये जो value है ये आपके पास 3 बनेगी. Now you have to calculate the need matrix. इसके बाद अब आप need matrix को evaluate करेंगे for X, Y and Z. So the need matrix will become 8, 4, 0, 3, 0, 0, 1, 2 and 2. This is their future need. Now, अगर हमने request 0 को grant कर दिया, now we are checking whether the system is in safe state or not. System जो है वो safe state पर है या फिर नहीं है. So currently you have these many resources are available and you will check whether the system is in safe state or not. So what you will do is you will try and satisfy the request. You will try to find out an order. So first of all, I can satisfy the request of process P1. Aapke paas kitne resources available hai? You have 320 resources are available and the need for the process P1 is 300. So first of all, you will try and satisfy the need of the process P1. So after satisfying the need of the process P1, how many resources will get free? 320 resources will get free. So you will be having a total of 640. Aapke paas itne resources jo hain wo free ho jayenge. So from these resources, you cannot satisfy the need of
प्रोसेस पी ज़ीरो एज वेल एज यू कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रोसेस पी टू. ना तो यहाँ से आप प्रोसेस पी ज़ीरो की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं और ना ही यहाँ से आप प्रोसेस पी टू की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. यू कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस पी ज़ीरो एज वेल एज यू कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस पी टू. बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई देयर नीड्स देयरफॉर यू कैन से सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट. सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट. सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट पर नहीं है. सो बिकॉज द सिस्टम इज नॉट इन द सेफ स्टेट सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल रोल बैक. अब इसके बाद हम रोल बैक करेंगे एंड विल ट्राई टू रोल बैक टू द प्रीवियसली नोन सेफ स्टेट. जो आपकी पिछली जो सेफ स्टेट आपको पता थी कि पिछली कौन सी सेफ स्टेट है, वी विल ट्राई एंड रोल बैक टू द प्रीवियसली नॉन सेफ स्टेट. दैट मीन्स दिस रिक्वेस्ट वन इज रिजेक्टेड. जो आपका रिक्वेस्ट वन है वो रिजेक्ट हो जाएगी. ओके, सो यू कैन से दिस रिक्वेस्ट वन हियर इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. हम रिक्वेस्ट वन को रिजेक्ट कर देंगे. ओके, सो व्हाट इफ रिक्वेस्ट वन इज ग्रांटेड. अगर रिक्वेस्ट वन रिजेक्ट नहीं होती उसकी जगह पर रिक्वेस्ट वन अगर ग्रांट होती, इन दैट केस वी विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट वन एंड देन जो आपके पास मॉडिफाइड टेबल होगी उसके ऊपर यू आर गोइंग टू चेक फॉर दैट रिक्वेस्ट टू. जो आपकी अगर रिक्वेस्ट वन ग्रांट हो जाती तो उस केस में हम रिक्वेस्ट वन के चेंजेस को परफॉर्म कर देते और फिर हम लोग चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट वन को ग्रांट होने के बाद अगर रिक्वेस्ट टू आती है तो क्या वो सेटिस्फाई होगी या फिर नहीं होगी. बट हियर लकीली व्हाट हैपेंड कि रिक्वेस्ट वन जो है वो ग्रांट नहीं हो पाई. तो बिकॉज रिक्वेस्ट वन ग्रांट नहीं हो पाई सो वी हैव टू रोल बैक टू द प्रीवियसली नोन सेफ स्टेट. नाउ वी हैव टू चेक इंडिपेंडेंटली फॉर रिक्वेस्ट टू. अब हम रिक्वेस्ट टू के लिए इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे. ओके, सो रिक्वेस्ट टू इज सेइंग पी वन रिक्वेस्ट टू यूनिट्स ऑफ एक्स. आपको पी वन को एक्स की दो यूनिट्स चाहिए, y की 0 यूनिट्स चाहिए और z की 0 यूनिट्स चाहिए. सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी मेकिंग चेंजेस हियर. आप यहाँ पर चेंजेस को परफॉर्म करेंगे. ओके, सो दिस इज फॉर द प्रोसेस p1. तो p1 प्रोसेस के लिए है यहाँ पर. ओके, सो p1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ, होल्ड ऑन सेकेंड. सो हियर फॉर द रिक्वेस्ट 2, P1 request for 2 units of x. P1 को x की 2 units चाहिए. Okay? So that means we will try to allocate that request. हम इस request को allocate करेंगे. Okay? So after allocating this request, this value will become 5. ये जो value है ये आपके पास 5 बन जाएगी. And then you will also सब्ट्रैक्ट द सेम वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्स. जो आपके पास अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल थे. सो टोटल अवेलेबल कितने थे आपके पास? 3 यूनिट्स ऑफ x, 2 यूनिट्स ऑफ y एंड 2 यूनिट्स ऑफ z वॉज अवेलेबल. सो बिकॉज वी हैव टू ग्रांट द रिक्वेस्ट टू, तो रिक्वेस्ट टू में x के अब आपके पास 1 यूनिट ऑफ x ही अवेलेबल होंगे. सो यू हैव दीज मैनी रिसोर्सेज विच इज 1, 1, 2. दीज मैनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल If you grant the request 2, अगर आप request 2 को grant करेंगे तो इतने resources अब आपके पास available हैं. Now from this, you will calculate the need of each of this process. आप हर एक process की need को evaluate करेंगे. So the need for each of these process will become 8, 4, 2. It will become, if you subtract this value, so this is going to be 1, 0, 0. तो ये जो value है आपके पास, I think this will become 100. Okay. And here, this value here, it will become 1, 2, and 2. ये आपकी values बन जाएगी. Now you will see कि क्या हम इस किसी की need को satisfy कर सकते हैं. So you can see, first of all, I can satisfy the need of the process P2. हम सबसे पहले process P2 की need को satisfy करेंगे. If we'll satisfy the need of the process P2, in that case, We were having these many resources. कितने और resources free हो जाएंगे आपके पास? 2, 1, 1 रिसोर्स और फ्री हो जाएंगे, which is 3, 3, 3. After this, I can satisfy the need of the process P1. अब हम process P1 की need को satisfy कर सकते हैं. So if you satisfy the need of the process P1, then these many resources will get free. So total resources will become 8, 5, and 3. After this, I can satisfy the need of the process P0. इसके बाद हम process P0 की need को satisfy कर सकते हैं. After satisfying the need of the process P0, these many resources will get free, so it will become 8, 5 and 4. So, total 8, 5 and 4, these resources free ho jayenge. So, you can see this, if you grant the request 2, then safe state exists.
therefore this will be granted. जो second जो request है वो grant हो जाएगी, because if you allocate the request 2 then still the system is in safe state. Request 2 को देने के बाद system जो है वो अभी भी safe state के अंदर है. Therefore the second request will be granted. Hence you can see only request 2 is permitted, request 1 cannot be permitted. Correct answer is option number B. Option number B जो है वो correct answer है. Okay. So, but as of now, right now for this example, only request 2 is permitted, request 1 cannot be permitted. यहाँ पर request 1 जो है वो permit नहीं होगी, लेकिन request 2 जो है वो permit हो सकती है. So, now read some of these questions. Which of the following is not a valid deadlock prevention scheme? इसमें से कौन सी valid deadlock prevention scheme नहीं है? First of all, release all resources before requesting a new one. Number the resources uniquely and never request lower number resource than the last one requested. Never request a resource after releasing any resource. Request and all required resources be allocated before execution. Which of the following is not a valid deadlock prevention scheme? So this is a one-liner question. I believe all of you should be able to answer is, which of the following is not a valid deadlock prevention scheme? So humne deadlock prevention scheme study kiya tha, if you remember it. So I told you some of the deadlock prevention scheme. Kaun kaun si scheme thi? These were the scheme. First of all, we cannot dissatisfy mutual exclusion, to wo satisfy hona chahiye. Secondly, I told you to prevent hold and wait condition. To aapke paas do approaches thi. So first approach ki koi bhi process has to first request all the resources it requires for execution, right? And once it required all resources, then only it can start execution, right? Ye aapki pehli approach thi. And the second approach was, a process is allowed to acquire for resources it desire at the current moment, and now before making any new request it has to compulsory release the resources. Or third approach thi, to use a timer. Okay, then I told you no preemption ko aap kis tarah se disable karenge, right? So if a process that is holding some resource request another resource that cannot be immediately allocated, then all the resources currently being held are released. तो जो भी प्रोसेस ने रिसोर्सेज को हेल्ड किया है उन सभी को हम रिलीज कर देंगे. एंड देन सर्कुलर वेट के लिए आई टोल्ड यू दैट वी कैन असाइन सम नंबर एंड वी कैन अलोकेट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? तो ये मैंने आपको कुछ डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स मैंने आपको बताई थी. सो दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम. एंड इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि इसमें से कौन सी एक वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम. आई बिलीव इट इज all of you can answer this question. So correct answer is option number C. Okay. Now here they are asking, a system has 9 tape drives. The current allocation, the maximum requirement of the tape drives for each process is shown below. 3 processes hain aur sabki current allocation aur maximum requirements given hain. Which of the following best describes the current state of the system? क्या ये system safe है या नहीं है? अगर ये safe नहीं है, so is it having a deadlock? अगर ये safe है, तो is it having a deadlock or not? So your system is having a total of 9 tape drives. आपके पास total 9 tape drives हैं. And how many tape drives are already allocated? So out of these 9, 7 tape drives are already allocated. So how many tape drives are free? So 9 minus 7 is going to be only 2 tape drives are free. So therefore, first of all, we have to evaluate what is their need after this. In sab ki need kya hai? Okay. So what is the need? So 7 minus 3 is going to be 4. 6 minus 1 is going to be 5. And 5 minus 3 is going to be need 2. तो आपको सबसे पहले सबकी नीड को निकालना है. सो आफ्टर चेकिंग द नीड यू हैव टू चेक कि क्या यहाँ पर कोई सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो इनिशियली यू कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3. इफ यू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P3, देन 3 रिसोर्सेज विल गेट फ्री. सो इट विल बी अ टोटल ऑफ 5 फ्री रिसोर्सेज. फ्रॉम दिस आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P1 एंड फ्रॉम दिस आई कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रोसेस P2. And you can see the system is in safe state. So obviously the system is in safe state, so there is no deadlock. The correct answer is option number B. Option number B यहाँ पर एक correct answer है. I hope it is matching with all of you. Now this is a very interesting question. तो मैं अभी यहाँ पर इसको नहीं लेना चाहूँगा. I want all of you to solve this question first.
सो बिफोर द नेक्स्ट क्लास प्लीज टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बिफोर द नेक्स्ट क्लास. एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. लेट मी सॉल्व इट. सो दे आर सेइंग अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज़ थ्री रिसोर्स टाइप एक्स वाई एंड जेड विच आर शेयर्ड बाई थ्री प्रोसेसेस. देर आर फाइव यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप. आपके पास एक्स की फाइव यूनिट्स हैं, वाई की फाइव यूनिट्स हैं और जेड की भी फाइव यूनिट्स हैं. Consider the following scenario where the column allocation denotes the number of units of each resource type allocated to each process. So allocation बता रहा है कि हर एक resource type की कितनी allocated हो चुके हैं. So how many resources are already allocated? So it is 5, 4 and 3. इतने resources already allocated हैं. तो कितने resources available होंगे? So how many resources will be available after this? So 0, 1 and 2. These many resources are now available. Now, the column request denotes the number of units of each resource type requested by the process in order to complete its execution. Now, which of the following process will finish last? इसमें से कौन सी process last finish करेगी? So, what you have to do is, you have to, so this is basically request is already given. So, if the request is already given, that means I believe they have, this is the total allocation. So, allocation, let me just check again. सो कॉलम अलोकेशन टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स अलोकेटेड टू ईच प्रोसेस. इतने ऑलरेडी अलोकेटेड हैं एंड द कॉलम रिक्वेस्ट नोट द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन. तो यानी कि इन मतलब जो एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्स टाइप की और रिक्वायरमेंट है. सो दिस वेरी रिसोर्सेज टाइप इज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, राइट. सो फ्रॉम दिस यू कैन सी कि आप सबसे पहले सिर्फ पी वन की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. So first of all, you can satisfy the need of the P1. So if you'll satisfy the need of the process P1, how many resources will get free? 201 will get free. So you'll be having a total of 213. Ab aapke paas itne resources free ho jayenge. From this, I can satisfy the need of the process P0. Ab hum yahan se process P0 ki need ko satisfy kar sakte hain. Then how many resources will get free? These many resources will get free. So which is 121. So which is 3, 3 and 4. इतने resources अब आपके पास free हो जाएंगे. From this, I can satisfy the need of the process P2. After satisfying the need of the process P2, how many resources will get free? 2, 2, 1 will get free. So it will be total 5, 5 and 5. So you can see, सबसे last में आपके पास सिर्फ process P2 finish होगा. So correct answer here is option number C. In the last, we are going to finish the process P2. सबसे last में यहाँ पर process P2 finish होगी. Okay? Now the next question. An operating system implements a policy that requires a process to release all resources before making a request to the another resource. Which select the true statement from the following. इसमें से कौन सी statement true है. Now both starvation and deadlock can occur. यहाँ पर starvation और deadlock दोनों occur हो सकता है. Second, starvation can occur but deadlock cannot occur. Starvation ऑकर हो सकता है बट डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. स्टारवेशन कैन नॉट ऑकर बट डेडलॉक कैन ऑकर. नाइदर स्टारवेशन नोर डेडलॉक कैन ऑकर. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब भी किसी रिसोर्स किसी प्रोसेस को नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी है तो सबसे पहले उसके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको सभी को रिलीज करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स वी आर डिसेबलिंग द होल्ड एंड वेट कंडीशन. तो बिकॉज हम लोग होल्ड एंड वेट कंडीशन को डिसेबल कर रहे हैं सो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक. बट द प्रॉब्लम इज इफ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी देन स्टारवेशन कैन ऑकर. तो यहाँ पर स्टारवेशन हो सकता है बिकॉज समटाइम्स अ प्रोसेस मेट नेवर गेट अ रिसोर्स जो उसको चाहिए. सो हियर स्टारवेशन कैन ऑकर बट डेडलॉक कैन नॉट ऑकर. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज एक्चुअली द डिफिकल्ट वन. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो और यू कैन से इट इज अ लिटल ट्रिकी वन. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू शुड टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लुक एट दिस अगेन वन मोर थ्योरी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डेडलॉक ट्रू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम. इसमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है. इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ. इन डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ. द डेडलॉक अवॉइडेंस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक अवॉइडेंस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रिसोर्स
रिक्वायरमेंट्स अ प्रायर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो इफ़ यू गो बैक, तो आपको चेक करोगे, इफ़ यू गो बैक देन यू विल फाइंड आउट कि ये जो आपके पास बैंकर्स एल्गोरिथम है, दिस बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ अ पार्ट ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. तो जो डेडलॉक अवॉइडेंस है बैंकर्स एल्गोरिथम, उसका पार्ट है. ओके, सो हियर इट इज़ ऑलरेडी रिटन डायरेक्टली दैट इन केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस इट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम हैज सम एडिशनल अ प्रायर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कि किसी भी प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो प्रायरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए इन केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरी इट्सेल्फ. तो ये पूरा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली थ्योरी से पूछा गया है. सो दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस. तो डेडलॉक अवॉइडेंस जो है इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज अ प्रायर, दिस इज ये ट्रू, ये आपका ट्रू है. एंड दिस डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज ऑलवेज ग्रांटेड द रिजल्टिंग स्टेट इज अ सेफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है आपके पास. नाउ द डेडलॉक अवॉइडेंस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव एज कम्पेयर टू डेडलॉक प्रिवेंशन, येस ये भी ट्रू है, आपका जो डेडलॉक अवॉइडेंस है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव है. बट इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ, दिस इज फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स है. सो बेसिकली इन केस ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन वी डू नॉट चेक फॉर द सेफ स्टेट, वी चेक फॉर द सेफ स्टेट इन केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस. तो हम लोग सेफ स्टेट के लिए डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए के अंदर चेक करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर चेक नहीं करते. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग पॉलिसी फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक इन अ सिस्टम विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज. द प्रोसेस शुड एक्वायर ऑल देयर रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, इफ एनी रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल देन ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड सो फार आर रिलीज्ड. ओके, acquired so far are released. Second, the resources are numbered uniquely and the processes are allowed to request for resources only in the increasing resource number. The resources are numbered uniquely and processes are allowed to request of for resources only in the decreasing number. The resources are numbered uniquely and the process is allowed to request for resources for a resource with resource number larger than the currently holding. Now, which of the above पॉलिसीज कैन बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक, इसमें से कौन सी पॉलिसी डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जा सकती है. ओके, सो आई बिलीव इट इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये दोबारा से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो यू कैन गो टू दिस थ्योरी सेक्शन अगेन, दोबारा से आप थ्योरी सेक्शन पर जा सकते हैं, यू कैन चेक फॉर दिस सेम कि आपके पास जो डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम थी उसमें से क्या पूछा गया है. Okay, so we have seen this deadlock prevention scheme. So here you can see there are various approaches which are given. So aap dobara se in approaches mein check kar sakte hain in circular weight also. So you can see each process is allowed to request for the resources either only in increasing or only decreasing order of resource number. In case the increasing order is followed, if a process requires a lesser number resource, then it must release all the resources having the larger number and vice versa. So you can see this approach and according to this you can answer this question. आप इस question को भी answer कर सकते हैं. Okay, fine. So next is your deadlock detection. तो deadlock detection approach है अब आपके पास next. तो जो deadlock detection approach है we look at this. तो अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, one is your deadlock detection, कि डेडलॉक डिटेक्शन कैसे करेंगे एंड देन हाउ कैन यू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. आप प्लीज़ ट्राई एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिफोर टुमारोज क्लास, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे कल की क्लास से पहले. ओके, सो लेट्स गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन. आज हम क्या क्या कवर करेंगे. इन योर फर्स्ट सेशन वी विल बी कंक्लूडिंग दिस डेडलॉक टॉपिक. अब जो डेडलॉक टॉपिक है, आई थिंक दिस टॉपिक वॉज नॉट सच अ लेंथी टॉपिक. तो जो डेडलॉक टॉपिक था आप इसको सिंपली एक या मैक्सिमम दो सेशंस के अंदर इसको कवर कर सकते थे, बट समहाउ हमारा जो डेडलॉक टॉपिक है वो काफ़ी एक्सटेंड हुआ एंड वी आर यू नो कंक्लूडिंग दिस डेडलॉक टॉपिक इन आई गेस फोर्थ सेशन, राइट. बट इट इज़ नॉट सच ए लेंथी टॉपिक. सो विल बी फिनिशिंग आवर डेडलॉक टॉपिक टुडे, हम अपने इस टॉपिक को फिनिश करेंगे. सो दिस विल बी योर फर्स्ट सेशन हियर, ये आपका फर्स्ट सेशन रहेगा. सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द डेडलॉक टॉपिक एंड आई हैव गिवन यू सम प्रॉब्लम. आई बिलीव इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे. सो आई हैव गिवन यू दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व एज वेल एज आई हैव ऑल्सो गिवन यू दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व. इन अ सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम द डेडलॉक प्रिवेंशन इज अटेम्प्टेड यूजिंग द फॉलोइंग स्कीम.
तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम का फॉलो किया है. आई मीन दे हैव यूज्ड सम स्कीम टू फॉलो टू प्रिवेंट द डेडलॉक. द प्रोसेस इज असाइंड अ यूनिक टाइम स्टैम्प. जैसे कि आपके पास जो भी प्रोसेस आएगी, मे बी वी हैव अ प्रोसेस P1, मे बी वी हैव अ प्रोसेस P2, मे बी वी हैव अ प्रोसेस P3, मे बी वी हैव अ प्रोसेस P4. तो हम लोग हर एक प्रोसेस को एक टाइम स्टैम्प देंगे. टाइम स्टैम्प का मतलब है वी विल गिव सम टाइम. जैसे प्रोसेस P1 जो है वो शाम को 5:23 पे 46th सेकेंड पर आई थी. प्रोसेस P2 जो है वो शाम को 5:00 और मे बी लेट अस मेक इट मॉर्निंग AM. दिस इज मॉर्निंग 5 AM. सो प्रोसेस P2 जो है मॉर्निंग 5 AM 23 मिनट्स और 48th सेकेंड पर आई थी. प्रोसेस P3 जो है मॉर्निंग 5 AM 28th मिनट एंड 23rd सेकेंड पर आई थी. और प्रोसेस P4 जो है मॉर्निंग 6 AM और 1st सेकेंड पर ये प्रोसेस आई थी. राइट. सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज ईच प्रोसेस इज असाइंड अ यूनिक टाइम स्टैम्प. हर एक प्रोसेस को आपने इस तरीके से एक यूनिक टाइम स्टैम्प दे दिया. राइट. अभी जो टाइम स्टैम्प है, आइदर यू कैन टेक दिस एग्जैक्ट वैल्यू जो भी टाइम की वैल्यू है, या फिर आप इसके लिए कोई न्यूमेरिकल नंबर भी इमेजिन कर सकते हैं. यू कैन इमेजिन कि जैसे ये प्रोसेस पहले आई है सो इट्स टाइम स्टैम्प विल बी 1, ये प्रोसेस दूसरी बार आई है तो इस टाइम स्टैम्प विल बी 2. सो आई मीन यू कैन गिव सम नंबर टू रिप्रेजेंट द टाइम. करेक्ट. एंड इज री स्टार्टेड वेन द सेम विद द सेम टाइम स्टेप इफ किल. जैसे कि अगर लेट अस अज्यूम हमारे पास P1 प्रोसेस जो है वो किल हो गई. व्हाई इट गॉट किल्ड, बिकॉज टू प्रिवेंट डेडलॉक. आपके पास कोई और प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी से हाई है, देयर माइट बी एनी रीजन व्हाटसो एवर टू प्रिवेंट डेडलॉक. इफ दिस प्रोसेस इज किल्ड एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस प्रोसेस इज रीस्टार्टेड, इट विल बी रीस्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टेम्प. जब अगली बार ये प्रोसेस रीस्टार्ट होगी तो सेम टाइम स्टेम्प के साथ रिस्टार्ट होगी. ओके. लेट PH बी द प्रोसेस होल्डिंग द रिसोर्स R. आपके पास एक प्रोसेस है PH एंड दिस प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स R. एंड PR बी अ प्रोसेस रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R. आपके पास एक प्रोसेस है PR एंड दिस PR इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R. वो इस रिसोर्स R की रिक्वेस्ट कर रही है. एंड TPH एंड TPR बी देयर टाइम स्टैम्प. तो इस प्रोसेस का जो टाइम स्टैम्प है वो TPH के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस प्रोसेस का जो टाइम स्टैम्प है वो TPR के नाम पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. द डिसीजन टू वेट और प्रीएम्प्ट वन ऑफ द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एल्गोरिथम. इसमें से किस प्रोसेस को हमें प्रीएम्प्ट करना है, यानी कि किस प्रोसेस में से रिसोर्स को लेना है, किसको प्रीएम्प्ट करना है और किसको प्रीएम्प्ट नहीं करना, वो हम इस एल्गोरिथम के बेसिस पर करेंगे. सो व्हाट इज दिस, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ PR इज लेस देन द टाइम स्टैम्प ऑफ PH, यानी कि जो PR है वो PH से पहले क्रिएट हुई थी. इफ टाइम स्टैम्प ऑफ PR इज लेस देन द टाइम स्टैम्प ऑफ PH देन किल PR. तो हम PR को किल कर देंगे, अदरवाइज वी विल वेट. यानी कि अगर कभी भी हमें एक डिसीजन लेना है कि दो प्रोसेसेस, जैसे एक प्रोसेस PH ने वो रिसोर्स R को होल्ड किया है और PR उस रिसोर्स की वेट कर रही है, तो हम लोग दोनों में से किस प्रोसेस को किल करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट टाइम स्टैम्प. ये उनके टाइम स्टैम्प पर बेस्ड होगा, यानी कि जो प्रोसेस पहले क्रिएट हुई है हम उसको पहले किल करेंगे. जैसे यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि PH ने तो रिसोर्स R को होल्ड किया है एंड PR इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R. नाउ बिकॉज PR प्रोसेस इज क्रिएटेड अर्लियर देन PH, तो इसका जो टाइम स्टैम्प है वो PH से कम होगा. सो बिकॉज इट्स टाइम स्टैम्प विल बी लेस देन PH, therefore we will kill this process. इस प्रोसेस को हम लोग किल करेंगे. तो जिस भी टाइम प्रोसेस का टाइम स्टैम्प कम होगा हमेशा उसको हम किल करेंगे. नाउ देयर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. पहला, द स्कीम इज डेडलॉक फ्री बट नॉट स्टारवेशन. सेकेंड, द स्कीम इज नॉट डेडलॉक फ्री बट स्टारवेशन फ्री. थर्ड, द स्कीम इज नाइदर डेडलॉक फ्री नो स्टारवेशन फ्री. फोर्थ, द स्कीम इज बोथ डेडलॉक एंड स्टारवेशन फ्री. इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट सच अ डिफिकल्ट आंसर. सो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. आई बिलीव इट विल हार्डली टेक यू 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 10 seconds लगेंगे. सो बेसिकली वट कैन हैपन इज बिकॉज जो प्रोसेस पहले क्रिएट हुई है वो हमेशा किल होगी. राइट. इट कैन हैपन कि जैसे अभी हमारे पास प्रोसेस PH ने रिसोर्स को होल्ड किया है एंड प्रोसेस PR इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स. नाउ बिकॉज PR का टाइम स्टैम्प अर्लियर है तो हम PR को किल कर देंगे.
राइट. नेक्स्ट टाइम वेन एवर दिस पी आर प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड, अगली बार जब भी ये रीस्टार्ट होगी, अगेन इट विल रीस्टार्ट विद द सेम टाइम स्टैम्प. जो अगली बार ये प्रोसेस रीस्टार्ट होगी वो दोबारा से सेम टाइम स्टैम्प के साथ रीस्टार्ट होगी. दैट मीन्स ऑलवेज द टाइम स्टैम्प ऑफ पी आर विल ऑलवेज बी लेस, इसका टाइम स्टैम्प हमेशा लेस रहेगा. सो नेक्स्ट टाइम इफ दिस प्रोसेस विल रिक्वेस्ट अ रिसोर्स विच इज होल्डेड बाई अदर प्रोसेस, तो दोबारा से सेम प्रोसेस जो है वो किल होती चली जाएगी. सो एंड एवरी टाइम द सेम प्रोसेस विल गेट किल्ड. वाई? बिकॉज एवरी टाइम द टाइम स्टैम्प विल बी लेस, एंड एवरी टाइम बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिथम द सेम प्रोसेस विल गेट किल्ड. सो बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी अ स्टारवेशन, यहाँ पर स्टारवेशन ऑकर होगा, बट देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेडलॉक. वाई देर इज नॉट डेडलॉक? बिकॉज वी आर डिसेबलिंग द कंडीशन होल्ड एंड वेट. हम होल्ड एंड वेट कंडीशन को डिसेबल कर रहे हैं बाय टेलिंग कि कौन सी प्रोसेस को किल करना है. सो वी कैन नॉट हैव अ होल्ड एंड वेट कंडीशन. बिकॉज ऑफ दिस देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेड लॉक, बट देर विल बी स्टारवेशन हियर. स्टारवेशन ऑकर होगा बिकॉज हमेशा एक ही प्रोसेस बार बार किल होने के चांसेस काफ़ी हाई है. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. प्लीज राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज राइट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. सो फॉर अदर्स लेट मी गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. मैं आपको इसे एक बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ हाउ दिस इज वर्किंग और किस तरीके से वी आर गेटिंग दिस आंसर. अ सिस्टम हैज एन रिसोर्सेज. सो यू हैव रिसोर्सेज विच आर आर जीरो, आर वन, आर टू, आर थ्री, अप टू सो ऑन आर ऑफ एन माइनस वन. तो आपके पास एक सिस्टम में एन रिसोर्सेज हैं. एंड देयर आर टोटल ऑफ के प्रोसेस. सो वी हैव पी जीरो, P1, P2, P3, up to so on, P of K minus 1. तो आपके पास टोटल यहाँ पर एज दे आर सेइंग देर आर टोटल ऑफ N रिसोर्सेज एंड हियर दे आर सेइंग देर आर टोटल ऑफ K प्रोसेसेस. आपके पास K प्रोसेस हैं और टोटल N रिसोर्सेज हैं. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसोर्स रिक्वेस्ट लॉजिक ऑफ ईच प्रोसेस PI इज एज फॉलोज. तो आपका जो रिसोर्स रिक्वेस्ट लॉजिक है यानी कि कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा वो इस कोड से गिवन है. सो इट इज सेइंग इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर वो एक आपकी इवन नंबर प्रोसेस है. सो दिस इज पी आई. सो इफ द वैल्यू ऑफ आई इज इवन, अगर आई आपका इवन है, इन दैट केस वी विल फॉलो दिस रूल. अगर आई आपका ऑड है तो उस केस पे हम इस रूल को फॉलो करेंगे. So if we have an even numbered process, in that case we are going to check if I is less than n, then request Ri. Jaise P0 ek even numbered process hai, it will request for R0. P2 will request for R2. In the same way P4 will request for R4. And then if I plus 2 is also less than n, in that case request I plus 2. Yani ki jo P0 hai, it will request for R2. P2 will request for R4, P4 will request for R6 and so on. ठीक है. तो जो भी इवन नंबर प्रोसेस है एक तो सेम नंबर रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा और दूसरा प्लस टू करके रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा. एंड इफ इट इज अ ऑड नंबर रिसोर्स, इन दैट केस, इन दैट केस इट विल रिक्वेस्ट फॉर, दिस इज n माइनस i. सो इन दैट केस इट विल रिक्वेस्ट फॉर R ऑफ n माइनस i एंड आर ऑफ एन माइनस आई माइनस टू. यानी कि अगर हमारे पास एक पी वन प्रोसेस है, राइट. सो हियर ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो मैटर्स. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूंगा, इन दिस ऑप्शन नंबर ए वी हैव एन इज इक्वल टू 40 एंड के इज इक्वल टू 26. सो दैट मीन्स इफ वी टेक द प्रोसेस पी वन, सो पी वन विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आर ऑफ 40 माइनस वन एज वेल एज आर ऑफ 40 माइनस वन माइनस टू. यानी कि ये R39 और R37 की रिक्वेस्ट करेगा. सो दिस प्रोसेस P1 विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स R39 एज वेल एज R37. दिस प्रोसेस P3 विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स विच इज R37 एज वेल एज R35. इन द सेम वे प्रोसेस P5 विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स R35 as well as R33. Okay, and this last process will be P of
जो लास्ट प्रोसेस है वो पी होगी. सो दिस पी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स विच इज आर ऑफ 40 माइनस 25 एंड आर ऑफ 40 माइनस 25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच. तो ये रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स आर 15 की और आर 13 की. सो दिस प्रोसेस विल बी रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आर 15 एंड आर 13. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस रिसोर्स रिक्वेस्ट लॉजिक सेज. ये आपका जो रिसोर्स रिक्वेस्ट लॉजिक है वो क्या बोलना चाहता है. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ डेडलॉक पॉसिबल. इसमें से किस सिचुएशन में डेडलॉक पॉसिबल है. सो आई टोल्ड यू फॉर अ डेडलॉक देर शुड बी फोर कंडीशंस दैट शुड ऑकर साइमल्टेनियसली. फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन है पहली कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट, यानी कि प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं, इट इज दे आर वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स. द थर्ड कंडीशन इज सर्कुलर वेट एंड द फोर्थ कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन. सो इफ ऑल ऑफ दीज फोर कंडीशन ऑकर साइमल्टेनियसली देन ओनली वी विल बी हैविंग अ डेडलॉक. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज सर्कुलर वेट. एक सर्कुलर वेट वाली कंडीशन ऑकर हो सकती है. सो वी हैव टू चेक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर ऑप्शंस ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सर्कुलर वेट की कंडीशन ऑकर हो रही है. इज इट ऑप्शन नंबर ए, इज इट ऑप्शन नंबर बी, इज इट ऑप्शन नंबर सी और इज इट ऑप्शन नंबर डी. इसमें से किस ऑप्शन के अंदर सर्कुलर वेट की कंडीशन ऑकर हो रही है. सो द ऑप्शन विच विल बी हैविंग अ सर्कुलर वेट कंडीशन दैट ऑप्शन विल बी हैविंग अ डेडलॉक. उस केस में डेडलॉक ऑकर होगा. आई मीन टू से इन एनी ऑप्शन वेयर टू प्रोसेसेस आर रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम रिसोर्स. अगर कोई भी दो प्रोसेस जो है किसी ऑप्शन में ऐसा होता है कि दो प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस ओनली वी विल बी हैविंग अ डेडलॉक. उस केस में यहाँ पर डेडलॉक ऑकर होगा. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. Now let us analyze all of these options one by one. So we have option number A. Option number A says n is equal to 40 and k is equal to 26. So here जो भी आपकी even numbered process होंगी, यानी कि process P0, P2, P4 up to so on, the last even numbered process will be process P38. So the last even numbered process will be process P24. So they will request for the resources which is R0 and R2. This will request for R2 and R4. This will request for R4 and R6. The last process will request for R24 and R26. Yani ki jo even numbered process hai, we do not have anything in common. So all the even numbered processes, they are not requesting for the same resource. इस वजह से कोई भी cycle नहीं बन रही है, they are not requesting for any of the same resources. And let us see the odd number resource. आपके पास odd number processes. So we have a process P1, we have process P3, we have process P5. In the same way, the last process will be P25. So जो P1 process है, P1 process will request for the resource which is your R39 and R37. This P3 process will request for the resource R37 as well as R35. This P5 process will request for the resource R35 as well as R33. और जो P25 process है, it will request for the resource which is R15 as well as R13. So you can see कि यहाँ पर कोई भी circular wait वाली condition occur नहीं हो रही. Even though there are two processes which are requesting for the same resource, बट देर इज नो कंडीशन ऑफ सर्कुलर वेट. यहाँ पर कोई भी सर्कुलर वेट वाली कंडीशन ऑकर नहीं हो रही. जैसे P0 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R0 एंड R2, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2 एंड R4. इवन दो देर बोथ आर रिक्वेस्टिंग फॉर R2, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है विच इज ऑल्सो हैविंग अ सर्कुलर वेट कंडीशन. सो बेसिकली दे आर फॉलोइंग द रूल दैट प्रोसेसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि जो भी उन्होंने रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है वो उसे कम नंबर के सोर्स की तरफ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे. दे आर ऑलवेज फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ पर देर इज नो कंडीशन ऑफ सर्कुलर वेट. कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, सर्कुलर वेट की कंडीशन ऑकर नहीं हो रही. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर बी, इन ऑप्शन नंबर बी दे आर सेइंग एन इज इक्वल टू 21 एंड के इज इक्वल टू 12. इन दैट केस सो व्हाट आर द इवन नंबर प्रोसेसेस. इवन नंबर प्रोसेस आर P0, P2, P4 अप टू सो ऑन
P20, and the odd number processes are P1, P3, P5, up to so on P19. तो ये आपकी odd number processes होंगी. So all of these even number processes, they will request for the resource which is R0 and R2. This will request for R2 and R4. This will request for R4 and R6, and this will request for R20. I'm so sorry. So I think the K is the number of processes, right? So ye jo last process honge yahan par, this will be different. So the last process here, because K is equal to 12, so here last even number process will be P10, and last odd number process will be P11. So this P10 process will request for R10 as well as R12. And in case of odd number process, jo P1 process hai, P1 process will request for R20 as well as R18. P3 process will request for R18 as well as R16. P5 will request for R16 as well as R14. In the same way, P11 will request for a resource which is R21-11 and R21-11-2, which is equal to R10 as well as R8. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दैट इवन द ऑड नंबर प्रोसेसेस आर आल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज जो कि इवन नंबर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रही है. सो इफ यू ड्रॉ अ डायग्राम हियर, अगर आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे विच इज रिसोर्स डिपेंडेंसी ग्राफ, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन द डेडलॉक ग्राफ. सो इन दैट ग्राफ यू विल सी दैट दे आर क्रिएटिंग अ साइकिल, यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट हो रही है. सो बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ साइकिल, दैट इज वाई हियर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. सो ऑप्शन नंबर बी में एक डेडलॉक की पॉसिबिलिटी होगी. सो ओनली इन द ऑप्शन नंबर बी यू विल फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, बिकॉज इन ओनली इन द ऑप्शन नंबर बी देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस विच आर क्रिएटिंग अ साइकिल हियर. बाकी और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी. जो यहां पर सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा. ओके, सो आई बिलीव इट्स क्लियर सो फार. ठीक है, तो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग डेडलॉक्स. हम डेडलॉक के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड हाउ डेडलॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड, हाउ डेडलॉक्स कैन बी अवॉइडेड. नाउ दिस इज द डेडलॉक डिटेक्शन. आई बिलीव ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं. सो आई टोल्ड यू इन अ डेडलॉक डिटेक्शन दैट वी कैन मेक दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, एंड इफ एवरी रिसोर्स इज ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप एंड देर इज अ साइकिल, देन वी कैन से देर इज अ डेडलॉक. बट इफ द रिसोर्सेज आर ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस टाइप एंड देर इज अ साइकिल, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, बिकॉज दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट कंडीशन. ठीक है, सो हियर, ठीक है, तो आई थिंक वो हम लोग कर चुके हैं. सो दिस इज वट हैपन्स इफ देर इज अ डेडलॉक. तो हाउ कैन यू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, हम डेडलॉक से कैसे रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक. सी नाउ इन दिस टेक्निक वी से लेट द डेडलॉक हैपन, डेडलॉक को होने दो, एंड आफ्टर द डेडलॉक हैज हैपन्ड नाउ यू हैव टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. तो अब आप डेडलॉक से रिकवर करेंगे. सो ऑन व्हाट क्राइटेरिया, सो टू को रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक यू हैव टू किल द प्रोसेसेस और यू हैव टू अबोर्ट द प्रोसेसेस. आपको प्रोसेसेस को किल करना पड़ेगा या फिर आपको प्रोसेसेस को अबोर्ट करना पड़ेगा. Okay, so the first is, if let us suppose in your system there's a deadlock, the first criteria is abort all the deadlocked processes. यानी कि जितनी भी processes deadlock में involved है सभी को abort कर दीजिए, सभी को kill कर दीजिए. This is the first method. But again it is not very efficient because using this method, अगर आपका काफ़ी सारा काम है maybe lot of your work can be lost. ठीक है, तो आपका जो काफ़ी काम है वो lost हो जाएगा. Okay, the second is abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated. आपको एक process एक time पर kill करनी है जब तक deadlock eliminate ना हो. जैसे कि let us suppose this is the resource R1, this is the resource R2, this is the process P1, this is the process P2. Now something like this is happening, so there is a deadlock, right? So instead of killing all the process, what I can do is I can kill one process at a time rather than killing all the processes. Maybe if I can kill one process at a time, so I will lose less amount of work and then maybe I can recover from the deadlock. Lekin kis process ko kill kare, which process should be killed?
So the process that we have to kill, that order should be chosen on the basis of this criteria. The first is the priority of the process. यानी कि जो आपकी low priority process है, kill the low priority processes first. So this can be a criteria. Second criteria is how long the process has computed and how much longer to completion. कई बार ऐसा होता है, let us suppose that you are copying the file from one drive to another drive. And 99% of the work is done. And to do this 99% work, it took 3 hours. And there's another process which has only done 1% of the work. So logically, jisne 1% work kiya hai, killing this process is better as compared to this 99% process because it is about to get completed. So you are going to kill a process on the basis of how long it has computed or how much longer it still have to compute. Jaise ki ye jo 1% completion hui hai, maybe it has to wait for a long time, it has still have to compute for a long time to complete its task. So it will be better to kill this process rather than this 99% process. Next, the resources used by a process. Process ne kitne resources ko use kiya hua hai. So what you can do is you have again two criterias. Either you can kill a process which is using the least number of resource, jo sabse kam resources ko use kar rahi hai, or you can kill a process which is having the max number of resource. So you have two criteria here also. कि या तो आप उस प्रोसेस को किल करो जिसने सबसे कम रिसोर्सेज को होल्ड किया है, सो मे बी उससे हम लोग डेडलॉक से रिकवर हो सकते हैं, और किल अ प्रोसेस विच इज़ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स, बिकॉज उससे आपको कम प्रोसेसेस को किल करना पड़ेगा, बाय किलिंग लेस नंबर ऑफ प्रोसेस यू कैन रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. ओके, देन यू कैन किल द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज द प्रोसेस नीड्स फॉर कंप्लीशन. आप प्रोसेस को कंप्लीशन करने के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, on the basis of this you can kill the process. Then how many processes will need to be terminated, kitni process ko terminate karna padega to recover from the deadlock. On the basis of this criteria you can recover from the deadlock. Or is the process an interactive process or a batch process? Batch process means which is running on the background, interactive process means which is interacting with the user. So maybe you can kill a batch process. तो आप शायद batch process को kill कर सकते हैं. Most of these batch processes run on round robin algorithm, right? Because they run on the background. So if the process is not having a very high priority, then obviously you can kill that process. So you can choose which process to kill on the basis of this order. मतलब इसमें से किसी criteria के basis पर आप choose कर सकते हैं कि आपको किस process को kill करना. ठीक है, सो हियर दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. ओके, ठीक है, तो हियर वी से दैट लेट अस अलाउ द सिस्टम टू गो इन द डेडलॉक स्टेट, एंड देन वी रन अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, एंड देन वी ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक इफ देयर इज अ डेडलॉक. नाउ इन दिस केस दिस डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस. Why I'm saying this is not in our syllabus? Because they have never asked a question based on this. इसके ऊपर कभी कोई question नहीं आया है. They have never asked a question based on deadlock detection algorithm. So I'm skipping it as of now. But still you can look for the algorithm. It is very easy. तो कैसे हम लोग deadlock को detect करेंगे? अगर सभी resources single instance type है, if all the resources are of single instance type, then in the resource allocation graph we'll look for a cycle. अगर सभी रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप है और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है, दैट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक. ठीक है, सो दे आर सेइंग मेंटेन अ वेट फॉर ग्राफ वेयर नोड्स आर प्रोसेसेस एंड एजेस आर रिप्रेजेंटिंग विच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर विच अदर प्रोसेस टू फिनिश. तो हम लोग यहां पर वेट फॉर ग्राफ को क्रिएट करेंगे. तो वेट फॉर ग्राफ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेट फॉर ग्राफ? देखो आपके पास दो ग्राफ है यहां पर. द फर्स्ट वन इज योर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड सेकेंड वन इज अ वेट फॉर ग्राफ. In case resource allocation graph, you can see the process P1 is holding the resource R2, it is waiting for the resource R1. Process P2 is holding the resource R1, it is waiting for the resource R4 and R5. Process P3 is holding the resource R4, it is waiting for the resource R5. And process P4 is holding the resource R5, it is waiting for the resource R2, and so on. सो इन दिस एंटायर ग्राफ हमें देखना है कि कौन सी प्रोसेस किसके फिनिश होने का वेट कर रही है. जैसे कि सबसे पहले जो प्रोसेस P5 है, इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, तो दिस इज योर प्रोसेस P5.
ये प्रोसेस P5 है आपके पास. नाउ यू कैन सी प्रोसेस P2 इज वेटिंग फॉर प्रोसेस P5, क्योंकि अगर प्रोसेस P5 फिनिश होगी देन ओनली रिसोर्स R3 कैन बी रिलीज्ड और वो प्रोसेस P2 को दिया जा सकता है. सो दिस प्रोसेस P2 इज वेटिंग फॉर द प्रोसेस P5 टू फिनिश. अब ये जो प्रोसेस P2 है इट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिसोर्स P3. ये P3 का भी वेट कर रही है बिकॉज इफ P3 विल फिनिश देन R4 रिसोर्स विल गेट फ्री. सो इट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिसोर्स प्रोसेस P3 टू फिनिश एंड इट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द प्रोसेस P4 टू फिनिश. तो ये जो है ये P4 प्रोसेस का फिनिश होने का भी वेट कर रही है. एंड देन यू कैन सी दिस प्रोसेस P4 इज वेटिंग फॉर प्रोसेस P1 टू फिनिश. P4 जो है वो P1 के फिनिश होने का वेट कर रही है एंड दिस P1 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स P2 प्रोसेस P2 टू फिनिश. तभी R1 रिसोर्स फ्री होगा. सो इट इज वेटिंग फॉर P2. इन द सेम वे दिस प्रोसेस P3 इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिसोर्स प्रोसेस P4 टू फिनिश. सो बेसिकली आप इस तरीके से यहाँ से बाय लुकिंग एट दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप इस तरीके से एक वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं. यू कैन मेक अ वेट फॉर ग्राफ. ठीक है, तो आपके पास दो तरह के ग्राफ हो गए. फर्स्ट इज योर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड सेकेंड वन इज अ वेट फॉर ग्राफ. सो वट यू कैन डू इज यू हैव टू मेंटेन अ वेट फॉर ग्राफ इफ ऑल द रिसोर्सेज आर ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप. नाउ पीरियोडिकली इनवोक एन एल्गोरिथम दैट सर्चेस फॉर साइकिल इन द ग्राफ. If there is a cycle in the graph, then there exists a deadlock. अब जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इन दिस ग्राफ देर इज अ साइकिल. आई मीन इज देर अ साइकिल, जस्ट चेक इट. सो हियर यू कैन सी देर इज अ साइकिल. यहाँ पर अब आपके पास एक साइकिल क्रिएट हो गई है. हियर देर इज नो साइकिल, यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है. देर इज नो साइकिल हियर, बट हियर देर इज अ साइकिल. एज वेल एज इफ यू लुक एट इट मोर क्लियरली देन यू विल सी दैट देर इज अ साइकिल हियर. यहाँ पर भी एक साइकिल प्रेजेंट है. So we will create a wait for graph and in the wait for graph if there's a cycle then maybe there's a deadlock. तो हम इस cycle को check करने के लिए periodically we can run the algorithm. Okay, and searching for cycle in a graph is very easy. तो ये बहुत ही आसान है. So we will look this method in your algorithm subject. तो algorithm subject में हम check करेंगे how to find a cycle in a graph. Second, an algorithm to detect a cycle in a graph requires an order of n square operation. इसके लिए algorithm already exist करती है. For example, we can use a union find algorithm to find a cycle in a graph, जो हम लोग अभी करेंगे. Because this union find algorithm, we also using it in the Prim's and Kruskal's algorithm. In one of these algorithms, हम यहाँ पर union find का use करते हैं to identify a cycle. So to identify a cycle in a graph, it takes only of order of n square operation, where n is a number of vertices, or in this case, you can say where n is a number of processes. अगर n number of process है, तो आपके पास order of n square time लगेगा to find a cycle in a graph. So here, using this, you can detect there's a You can detect if there is a cycle or not, and you can detect क्या यहाँ पर कोई deadlock occur हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, if there is a deadlock or not. Okay? अगर resources आपके several instance type है, if the resources are of several instance type, in this case we are going to maintain this matrix which is available resources, allocation resources and the request resources, which is basically your banker's algorithm. Banker's एल्गोरिथम. तो यहाँ पर हमारे पास अगर सेवरल इंस्टेंस टाइप के रिसोर्सेज हैं देन वी लुक फॉर द बैंकर्स एल्गोरिथम. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस गिवन एल्गोरिथम टू डिटेक्ट देयर इज अ डेडलॉक और नॉट. बट अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. आपको स्टडी नहीं करना है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल बिकॉज दे हैव नेवर आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, सो यू कैन स्किप दिस एल्गोरिथम एज ऑफ नाउ. राइट, सो अब हमारे पास नाउ वी हैव आई थिंक कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स जो भी हमें ज़रूरत थी इस चैप्टर के अंदर. सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिवीजन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, कि हम लोग अगर डेडलॉक से रिकवर करेंगे तो हम क्या क्या किस बेसिस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे. सो कौन सी प्रोसेस को किल करना है. वी वॉन्ट टू किल द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कि सबसे कम नुकसान हमें कहाँ पर हो रहा है. सो बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. सो वी अगर आपके पास सिस्टम सेफ स्टेट पर नहीं है देन वी विल रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियसली नोन सेफ स्टेट. तो उस केस में हम लोग मे बी वी वॉन्ट टू रिस्टार्ट द प्रोसेस. एंड थर्ड इज स्टारवेशन. द सेम प्रोसेस में ऑलवेज वी पिक्ड एज विक्टिम इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ रोल बैक्स इन द कॉस्ट फैक्टर. सो यू कैन स्किप इट. सो स्टारवेशन मीन्स बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि अगर हम डेडलॉक से रिकवर कर रहे हैं बाय किलिंग सम प्रोसेसेस,
सो आप हमेशा इस प्रोसेस को सेट करेंगे जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप बार बार एक ही प्रोसेस को किल कर रहे हैं विच इज़ हैविंग अ मिनिमल कॉस्ट, आई मीन मिनिमल लॉस जहाँ से हो रहा है, तो समटाइम्स इट कैन हैपन दैट ऑलवेज यू आर किलिंग द सेम प्रोसेस एंड विच कैन कॉज स्टारवेशन, जो है स्टारवेशन को क्रिएट कर सकता है। सो लेट मीन्स अगेन गो थ्रू दिस एंटायर चैप्टर अगेन, तो हम लोग एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर इज थ्योरी क्वेश्चन, सिर्फ कुछ आपके पास बैंकर्स एल्गोरिथम में ही क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में वी हैव स्टडीड कि आपके पास सिस्टम मॉडल्स क्या क्या हैं, देन वी हैव स्टडीड कि डेडलॉक के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, देन हम डेडलॉक को कैसे हैंडल करेंगे। तो आपके पास डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यू हैव थ्री मेथड्स विच इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, एज वेल एज देयर इज अ ऑस्ट्रिच अप्रोच, एक ऑस्ट्रिच अप्रोच भी है। सो यू हैव फोर मेथड्स टू हैंडल द डेडलॉक, कौन कौन से, डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकेंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड द फोर्थ इज ऑस्ट्रिच अप्रोच, एंड देन हाउ कैन यू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। तो सबसे पहले वी हैव सीन कि डेड सिस्टम मॉडल क्या होता है, मतलब द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। फिर हमने बताया कि डेडलॉक को ऑकर होने के लिए देर शुड बी फोर कंडीशंस दैट शुड बी सेटिस्फाइड, ऑल ऑफ दीज फोर कंडीशंस शुड हैपन साइमल्टेनियसली। तो चारों कंडीशन जो है वो साइमल्टेनियसली ऑकर होनी चाहिए, देन ओनली डेडलॉक विल ऑकर। सो द कंडीशंस आर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। इफ ऑल ऑफ दीज फोर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली देन ओनली देयर इज अ डेडलॉक। अगर इसमें से आप एक कंडीशन को भी डिसेबल कर देंगे तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। तो फिर हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताया, हाउ कैन यू यूज़ दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, कैसे बना सकते हैं। देन वी हैव सीन द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। वी हैव सीन कि अगर हर एक जो रिसोर्स है वो सिंगल इंस्टेंस टाइप है तो साइकिल होना ग्राफ के अंदर इज़ अ नेसेसरी एज वेल एज सफिशियंट कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। लेकिन अगर रिसोर्सेज सेवरल इंस्टेंस टाइप है, यानी कि मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है, तो उस केस में साइकिल होना एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है, बट इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। तो अगर रिसोर्सेज हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है तो हम वहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि डेडलॉक ओकर होगा या नहीं होगा, आई मीन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ऑन नॉट। देन वी हैव सीन सम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक किया। देन वी हैव सीन हाउ टू हैंडल द डेडलॉक। तो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यू हैव टू मेजर मेथड, द फर्स्ट इज डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम, द सेकेंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस। पहला कि डेडलॉक को होने से कैसे प्रिवेंट किया जाए, दूसरा उसको अवॉइड कैसे किया जाए, तीसरा कि लेटस से दैट लेटस अलाउ द सिस्टम टू बी इन द डेडलॉक स्टेट और फिर उसको रिकवर कैसे किया जाए, एंड फोर्थ मेथड इज़ योर ऑस्ट्रिच अप्रोच, यानी कि जस्ट इग्नोर कि हमारे पास कभी डेडलॉक होगा भी या नहीं होगा। सो दीज आर द फोर मेथड्स फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक। अब डेडलॉक प्रिवेंशन के केस में हमने बताया कि वी आर गोइंग टू रिस्ट्रेन द वेज द रिक्वेस्ट कैन बी मेड, यानी कि कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, हमें उस पर एक कंडीशन डालनी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो सबसे पहले बताया कि अगर हम जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें चाहिए। देन वी हैव सीन अगर हमारे पास होल्ड एंड वेट कंडीशन है तो हम होल्ड एंड वेट कंडीशन को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो यानी कि हम किस तरह से प्रोसेस किसी रिसोर्स के रिक्वेस्ट करेगा ताकि कभी भी वहाँ पर होल्ड एंड वेट कंडीशन ऑकर ना हो। तो हमने उसके लिए कुछ अप्रोचेस बताए, एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन द ड्रॉबैक्स बेस्ड ऑन दिस। फिर हमने बताया कि अगर आपके पास सर्कुलर वेट कंडीशन है तो सर्कुलर वेट कंडीशन को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हमने बताया कि जब भी कोई प्रोसेसेस रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको प्रोसेसेस को सिर्फ बोलो कि रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट कर सके या फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सके, बट एक तरीके से साइकिल क्रिएट ना हो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वेस्टेड हियर। फिर हमने बताया कि जो डेडलॉक अवॉइडेंस है तो डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, टू अवॉइड द डेडलॉक वी नीड अ प्रायरी इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन अप्लाई बैंकर्स एल्गोरिथम, यानी कि हर एक प्रोसेस को पहले से बताना पड़ेगा कि उसको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और कितने इंस्टेंसेस चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम लगाएंगे टू चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। अगर सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट पर है देन वी विल नॉट यू नो फॉलो दैट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को हम डिनाई कर देंगे। तो फिर हमने बताया कि सेफ स्टेट क्या होती है, देन वी हैव सीन दिस अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो आपके पास अगर बैंकर्स एल्गोरिथम है जो कि एक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, सो इन द बैंकर्स एल्गोरिथम वी हैव सीन कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, वी हैव अलोकेशन,
कितने रिसोर्स एलोकेटेड है, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट थी. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी ट्राई टू मेक अ सीक्वेंस जिससे हम सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. इफ़ सम काइंड ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट लाइक दिस, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है देन वी कैन से देर इज़ नो डेडलॉक. अगर ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स देर इज़ अ डेडलॉक. देन वी हैव सीन सम ऑफ द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. कुछ हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखे थे. वी हैव सीन सम क्वेश्चंस ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस. कुछ क्वेश्चंस भी हमने चेक किए थे. देन वी हैव सीन कि डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट किया जाए. सो टू डिटेक्ट द डेडलॉक वी कैन क्रिएट अ वेट फॉर ग्राफ. हम वेट फॉर ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर वी कैन चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट यूजिंग द बैंकर्स एल्गोरिथम. तो उस तरीके से हमारे पास हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि डेडलॉक ऑकर हो रहा है नहीं हो रहा. बट दिस एल्गोरिथम इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस बिकॉज एग्जाम में इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया. सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. Then this is the usage of deadlock detection algorithm, which is again a theory. और ये है अगर आपके पास deadlock occur हो जाए then how can you recover from the deadlock. तो अगर deadlock occur हो जाए then you have to kill the processes. लेकिन आप processes को किस order में kill करेंगे और किस criteria के basis पर kill करेंगे, we have discussed some of those criteria. हमने उनमें से कुछ criteria को discuss किया था about how to select a victim, कि किस process को kill करना है, किस process को kill नहीं करना. So this is the recovery from the deadlock. So I hope that this session was useful. जो deadlock वाला chapter है हमने यहाँ पर finish कर लिया है. Now we have to start the next chapter which is your memory management. आपका जो next chapter है वो memory management है.